गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नीता भोजवानी ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कितना कुछ जानते हैं पुनर्जन्म के बारे में, सभी को मालूम है पुनरुपी जननम पुनरुपी मरणम। अपने ऊपर हम बहुत मेहनत भी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सारा हमारा फोकस यही रहता है कि हम अपने आप को और ज्यादा प्यूरिफाइड और प्यूरिफाइड करते जाएं, और एक समय इतने प्यूरिफाइड हो जाएं कि पृथ्वी के स्कूल से हमारा ग्रेजुएशन हो जाए। हम प्री बर्थ प्लानिंग रॉबर्ट श्वार्ट्ज के द्वारा बहुत कुछ समझ चुके हैं। बच्चों की अभी ज्ञान भारत एजलेस विजडम का ज्ञान आप लोग तक पहुंचा रहा है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि रीइंकार्नेशन जितना सेंसिटिव और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम एजलेस विजडम के दृष्टिकोण से भी समझें। कुछ आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखेंगे रॉबर्ट श्वार्ट्ज एंड एजलेस विजडम में, पर चूंकि मैं एजलेस विजडम की एक स्टूडेंट हूं तो मैं काफी रेजोनेट करती हूँ उनकी शिक्षाओं से। उनकी टीचिंग मेरी सोल तक पहुंचती है और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। तो आज जो रीइंकार्नेशन है, इस बुक का जो मैं कर्मा आप लोग को बता चुकी थी और रीइंकार्नेशन इसके द्वारा बताऊंगी, वो सिर्फ एक एसेंस के रूप में बताऊंगी, क्योंकि इसके शुरू के कुछ ही पन्ने ही कर्मा के हैं, बाकी ये पूरा रीइंकार्नेशन के ऊपर है। और इतना डीप और इतना वास्ट नॉलेज एक सेशन में तो क्या कम से कम 5 से 7 सेशन भी कम पड़ेंगे। फिर भी जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज अ मेडिटेटर, उन सारे पॉइंट्स को मैंने कलेक्ट किया है, और जब हम इनकी दूसरी बुक अदर वर्ल्ड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम और ज्यादा जानेंगे। पर आज एक ही सेशन में मैं रीइंकार्नेशन आप लोगों को बताऊंगी, और आशा करूंगी कि आप लोग अपने हर मिनट हर घंटे हर थॉट के प्रति और अवेयर होते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ज्ञान को लेने के पहले हम 45 मिनट मेडिटेशन करते हैं। अपने आप को मेडिटेशन के लिए तैयार कर ले। कमरे की रोशनी मध्यम कर लें, चश्मे पहने हो तो चश्मे उतार लें, सुखासन में बैठ जाएं। शरीर का कोई तनाव न हो, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें। और अपनी आंखों को आहिस्ता बंद कर अपनी आती और जाती श्वास के साथ एक हो जाए। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, पर आपका ध्यान अपनी आती और जाती सरल और स्वाभाविक सांसों पर ही बना रहे।
2 minutes pura dhyan sath lo aapke ke 2 minute Five, four, three, two, one, zero. हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे. फाइव फोर थ्री टू वन जीरो. हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों को भी आहिस्ता आहिस्ता खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ इस यूनिवर्स को अपने आप को ग्रैटिट्यूड देंगे कि आज के ये 45 मिनट आपने अपने लिए निकालने का आपको मौका दिया गया. तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. मुझे मालूम है कि हम सभी का मेडिटेशन, खासकर ये ग्रुप मेडिटेशन, बहुत बहुत डीप होता है. तो थैंक यू वेरी मच. सेशन शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है जो रिट्रीट से संबंधित है. 5 मिनट उसके लिए समय लूंगी. ज्ञान भारत और ज्ञान तमिल दोनों ही मिलकर एक फिर से एक नई रिट्रीट आयोजित कर रहे हैं पिरामिड वैली में, जो 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक होगी. प्रदीप सर के सानिध्य में ये रिट्रीट हो रही है 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक. इसका नाम है सेल्फ हीलिंग एंड डिटॉक्स रिट्रीट. डिटॉक्स इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी हम 9 दिन रहेंगे वहां पर, वो पूरे हमारे फ्रूट सैलेड जूसेस पे हैं. पर यदि कोई व्यक्ति चाहेगा, यदि कोई पार्टिसिपेंट चाहेगा कि उसे खाना दिया जाए, तो सिर्फ एक टाइम उसको लंच में बहुत ही लाइट फूड जैसे खिचड़ी, दलिया या राइस एंड दाल एंड बॉइल वेजिटेबल्स दी जाएगी, ताकि उसकी ज्यादा डाइजेशन में उसकी एनर्जी नहीं जाए. एकदम लाइट लंच रहेगा. बाकी पूरे समय जूसेस, फ्रूट, सैलड हमेशा प्रोवाइड होते रहेंगे, ताकि शरीर में ऊर्जा भी बनी रहे और कम से कम डाइजेशन में एनर्जी जाके हीलिंग में एनर्जी जाए. तमिलनाडु में बहुत ही अच्छा एक मरकबा पिरामिड बनाया गया है, जिसमें हजारों टनों में क्रिस्टल्स लगाए गए हैं, कई हजारों क्रिस्टल्स लगे हैं. तो उनकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पर 2 दिन रुकने का बंदोबस्त किया गया है. 4 तारीख को पिरामिड वैली पहुंचना है. 4 से 9 तारीख की सुबह तक के हमको पिरामिड वैली में मौना और मेडिटेशन करना है. उसके बाद 9 तारीख की सुबेरे नाश्ते के बाद बस के द्वारा मरकबा पिरामिड जाया जाएगा. वहां की एनर्जी में मेडिटेशन और मौना किया जाएगा. वहां पर सिर्फ डॉर्मेट्री है
और कई लोग अगर पिरामिड में रुकना चाहेंगे तो पिरामिड में रात को रह सकते हैं पूरी रात हीलिंग के लिए, या फिर मरकबा के पास ही एक होटल बुक कराया गया है जिसमें हम लोग वहां पर आराम भी कर सकते हैं और रात को रुक भी सकते हैं। तो 5 दिन 5 रातें और 6 दिन हमारे पिरामिड वैली में, बाकी 2 दिन 2 रातें मरकबा पिरामिड में, इस तरीके से प्रोग्राम बनाया गया है। इस पूरी रिट्रीट का चार्ज 55,000 है, क्योंकि सिर्फ आया रूम्स में और खाने पीने का ही नहीं, हमें बस के द्वारा ले जाना और मरकबा में पूरा बंदोबस्त करना, इन सब से मिनिमम प्राइस में आपको हम 55,000 फीस चार्ज कर रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस 15,000 है। वो आपको नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि कई लोग उत्साहित होकर अपने बुकिंग करा लेते हैं और फिर किसी और की सीट को रोककर नहीं जाते हैं। तो ये 15,000 जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, बाकी के जो 40,000 है वो बाद में किस तरीके से दिए जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। चूंकि हमारे ज्ञान भारत के साथ ज्ञान तमिल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ऑलरेडी उनकी 10 बुकिंग्स पहले से ही इन एडवांस हो चुकी है। तो हमारे पास सिर्फ 20 सीट्स है, क्योंकि इस रिट्रीट की मैक्सिमम सीट्स सर ने सिर्फ 30 रखे हैं, तो सिर्फ 20 ज्ञान भारत के लिए हैं। तो यदि कोई इच्छुक है आप लोगों में, तो वो तुरंत रजिस्ट्रेशन करा ले और 15,000 एक हफ्ते के अंदर या 3-4 दिन जैसा भी हम आपको बताएंगे उसके अंदर पहुंचा दे, ताकि सीट्स आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो सके। इस रिट्रीट में पार्टिसिपेट करने वाले सिर्फ मेरे से और मीनाक्षी को ही व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी हमें कॉल नहीं करेगा। सिर्फ व्हाट्सएप में आप लिख दीजिए कि रिट्रीट, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, फिर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अब इस सेशन के बाद इस रिट्रीट की पूरी जानकारी और बैंक अकाउंट डिटेल्स हर चीज मैं आप लोगों के पूरे ग्रुप्स में डाल दूंगी, तो आप लोग और अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो ये रिट्रीट अपने आप को देने का बेहतरीन गिफ्ट है। जिंदगी में कभी काम खत्म ना होंगे, ना ही कभी परिवार की जिम्मेदारियों से हम मुक्त हो सकते हैं, पर कुछ दिन अपने लिए निकालिए। ऐसे रिट्रीट में जाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, यदि आप चाहते हैं कि आप एनलाइटन हो और इस जीवन को भी सुखी बनाएं। तो ये आपके ऊपर है, बाकी जैसे जैसे दिन होते जाएंगे आपको सारे ग्रुप्स में इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलते जाएगी। तो 4 to 11 December पिरामिड वैली एंड मरकबा में जो पिरामिड है उसका 55,000 है आपका फीस। और जो भी यूट्यूब चैनल वाले लोग भी इंटरेस्टेड हैं, एंड में मैं आप लोग को कुछ फोन नंबर दे दूंगी, ताकि आप लोग उसमें मैसेज करके इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे लिए ये बहुत ही प्यारी गिफ्ट है अपने आप को देने के लिए। पिछले बार मैं ऑर्गेनाइजर के रूप में गई थी, परंतु इस रिट्रीट पे मैं एज अ पार्टिसिपेंट जाऊंगी, और मैं चाहूंगी कि ये 7 दिन मैं मौना रखूं और दोनों जगह की, दोनों पिरामिड की एनर्जी को मैं एब्सॉर्ब कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सुरेंद्र जी, आप बाद में पूछिएगा, रिट्रीट से संबंधित पूछना है आपको। अच्छा, तो 2 मिनट में ही आप पूछिए, क्योंकि टाइम होते जा रहा है। मैंने ना यूट्यूब पे ज्वाइन करा था तो बीच में आवाज बंद हो गई थी, मैं इसलिए पूछना था दिसंबर में मौसम कैसा होगा वहां। ठीक वहाँ काफी ठंड रहती है। हाँ, है ठंड तो रहती है वहाँ। तो और आपने क्या बोला, मेरे को सुना नहीं है, बीच में से बंद हो गया था। हाँ, तो आप सुन लीजिएगा ना, अच्छा ठीक है, ना ओके यूट्यूब में ओके सुन लीजिएगा, या मैं आखिरी में अनाउंस कर दूंगी। अभी काफी लोग ठीक जुड़े हुए हैं तो उनके सेशन के लिए हम देरी नहीं करें सुरेंद्र जी। ओके 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 नो और प्रॉब्लम। हाँ, और बाकी ग्रुप्स में आपको पूरी डिटेल मिलते जाएगी, और अगर आप उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, रिट्रीट वाले ग्रुप में, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप उसमें डाल सकते हैं और हम आपको आंसर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स,
कल आप लोगों ने पास्ट लाइफ सुना टॉरकॉम के दृष्टिकोण से, मुझे बहुत सारे फीडबैक भी मिले और बहुत सारे नहीं भी मिले जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बहुत सारे मिले भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इतने प्यार से आपको सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए, और अपने आप को ये प्रॉमिस करने के लिए कि हम वाकई अब कोई ऐसे थेरेपी की तरफ नहीं जाएंगे। जो भी क्वेश्चन है ना आप पूछ रहे हैं अच्छे नहीं कि कोई फ्रेंड, मैं आपको सबके आंसर दूंगी। एड्रेस ऑफ पिरामिड सेंटर कौन सा बोल रहे हैं, जो तमिलनाडु का है, वो सब हम आपको बाद में देंगे। थैंक यू सुप्रिया जी, सब डिटेल में रिट्रीट के बारे में जो सेशन हो जाएगा ना उसके बाद हम बात करेंगे, और कल हमारा इंटेंस मेडिटेशन है उसमें भी आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी अपना फोकस रखिए री इनकार्नेशन के ऊपर, पुनरुपी जननम पुनरुपी मरणम, कब खत्म होगा ये, कितने और जूम सेशन अटेंड करने पड़ेंगे, कितने जन्म आके हम लोगों को ये सब सिखाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं इस बुक को पढ़कर बहुत बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ और बहुत ज्यादा अवेयर होने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने एक एक थॉट, अपने एक एक इमोशन के प्रति मैं थोड़ा और ज्यादा अवेयर होते जाऊं। तो लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन हम सभी जानते हैं कि हम अपने पृथ्वी पर अपनी ड्यूटीज को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने अनुभव के द्वारा सीखने के लिए आते हैं, ताकि हम ज्ञान ज्यादा से ज्यादा ले सकें, और जो हमने कर्मा एज अ बेबी सोल और इन्फेंट सोल या यंग सोल के रूप में करे हैं, उन सब को हम बैलेंस भी करते जाएं, सीखते जाएं और प्यूरिफाइड होते जाएं। पर जब हम यहाँ पर आते हैं, हम सीखते हैं, बहुत अनुभव लेते हैं, फिर हम जब एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, वहां पर भी हम बहुत सारा बहुत सारी चीजें वहां एस्ट्रल वर्ल्ड में और मेंटल वर्ल्ड में सीखते हैं, और बिल्कुल कॉलर उठाते हैं कि इस बार तो हम जाएंगे तो बिल्कुल 5-6 लेसन तो अच्छे से सीख के आएंगे, और इतने इतने कर्म का बैलेंस तो हमको करके ही आना है। पर जैसे पृथ्वी पर आते हैं, हम फिर से अपने बॉडी, अपने मन, अपने परिवार से अटैच होते चले जाते हैं। तो रीइंकार्नेशन की शुरुआत में ही टॉरकॉम कहता है कि आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस करिए कि आप अपने बॉडी बॉडी से डिटैच होना सीखिए। हम हमेशा अपनी आइडेंटिटी से फिर मैं नीता, मैं मेडिटेशन टीचर, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर, कोई इंजीनियर, हम बहुत आइडेंटिफाइड करते हैं। कुछ भी हुआ तो मेरे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, हम हर इमोशन से लेके, थॉट से लेके अपनी बॉडी से हम अटैच होते जाते हैं। तो रीइंकार्नेशन की शुरुआत में ही वो कहता है टॉरकॉम जी की आप बिल्कुल डिटैच होते जाइए, आप अपने आप से कहिए कि ये मेरा शरीर चल रहा है, अभी मैं अपने शरीर को ऑर्डर दे रहा हूं कि वो रुक जाए, और आपका शरीर रुकेगा। इससे क्या होगा, एक हेल्दी डिवीजन आएगा, डिवीजन मतलब एक सेपरेशन आएगा आपके और आपके बॉडी के बीच में, एक दूरी आएगी, आपको धीरे धीरे आभास होगा कि मैं बॉडी नहीं हूं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं, आप बहुत थक गए हैं, तो अपने शरीर को कहिए कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि तुम ये काम करो, चाहे कोई भी, खाना ही बनाना हो, थक गए हो, तो अपने बॉडी को ऑर्डर दो, सीखो कि मुझे ये काम करना है, आपको ये काम करना है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। तो धीरे धीरे वो बॉडी काम करेगी, इसके द्वारा क्या होगा कि बॉडी आपका कहना मानने लग जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपके मन में किसी के लिए नफरत की भावना आ गई, तो टॉरकॉम कहते हैं कि उस समय आप अपने आप को ही बोलिए कि आई एम योर बॉस, अगर हेट करोगे तो तुम मेरा मैकेनिज्म खराब कर रहे हो, मेरा मतलब मैं जो सोल इस बॉडी में हूं, मेरा मैकेनिज्म तुम खराब कर रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि कोई नफरत मत करो। तो इमोशनल बॉडी, क्योंकि हम तीन बॉडीज, लोअर बॉडीज के रूप में यहां पर काम करते हैं, अपनी फिजिकल शरीर के रूप में, इमोशनल बॉडी हमारी भावनात्मक शरीर, तीसरा हमारी मेंटल बॉडी, एथरिक तो हमारी प्राण शक्ति की है ही। तो ये जो तीन चीजें हैं उसको आप ऑर्डर कर करके आप उससे डिटैच होना सीखिए। जब आप ऑर्डर देंगे कि तुम्हें नफरत नहीं करनी है, मेरा मैकेनिज्म खराब हो रहा है, तो बोले इमोशनल बॉडी आपको कहना मानेगी। ऐसे ही आपके जितने मेंटल बॉडी में जो आइडियाज होते हैं, रिविलेशन होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, थॉट फॉर्म्स होते हैं, सही गलत का फैसला करते हैं, हर चीज के हैं, उस पर भी आप नियंत्रण कर सकते हैं।
अगर मान लो आपको बहुत चिंता हो रही है, तो जब बहुत चिंता होती है तो माइंड लगातार उस चीज को दोहराते रहता है, रिपीट करते रहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा, वो रिपीटेशन चाहता है। तो माइंड जैसे रिपीटेशन करे, तो आपको वहां पे माइंड को ऑर्डर नहीं देना है, क्योंकि माइंड ऑर्डर से नहीं मानता। जैसे आपकी इमोशनल बॉडी के लिए आप ऑर्डर दे सकते हैं कि आई एम योर बॉस, पर मेंटल बॉडी के लिए टॉरकॉम कहते हैं कि आपके पास कुछ एक ही उपाय हैं। पहला है मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कंटेम्पलेशन, चिंतन। अगर मेरे में बुरे विचार आ रहे हैं तो मैं चिंतन कर सकती हूँ कि ये मेरे बुरे विचार क्यों आ रहे हैं, क्या मेरे ईगो से रिलेटेड है, क्या मेरे जेलसी से रिलेटेड है, नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे विकास करना है। तो ऐसे चिंतन, मेडिटेशन और कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा हम अपने मेंटल बॉडी को फॉर्म करते हैं। आप लोग को याद दिला दूं फ्रेंड्स कि हर इंसान जो इस पृथ्वी पर है, हर एक के पास मेंटल बॉडी नहीं है। कुछ एक लोग के पास मेंटल बॉडी है, पर वो बहुत ही फॉगी स्टेज में है, मतलब बहुत ही धुंध रूप में है। क्योंकि सिर्फ आदमी क्या करता है, कमाने जाता है, बच्चों के बारे में सोचेगा, कल का प्रोग्राम क्या बनाना है, अगले हफ्ते कितना कमाना है, कहाँ शेयर में पैसे डालने हैं, ये तो छोटी रोजमर्रा की जो जिंदगी के जो हम अपने लोअर मेंटल बॉडी को यूज करते हैं, उससे हमारी मेंटल बॉडी फॉर्म नहीं होती है। जब तक के आप कल्याणकारी विचार, अच्छे विचार, अच्छा ज्ञान आप नहीं लेंगे, तब तक कि आपकी मेंटल बॉडी एक धुंधली परत के रूप में रहेगी। जब थियोसोफिकल सोसाइटी रिसर्च कर रहा था तो कहते हैं कि आधे से अधिक जितने भी आत्माएं मेंटल वर्ल्ड में घूमती हैं, उनकी बहुत ही फॉगी स्टेट रहती है। जो बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, उनकी मेंटल बॉडी थोड़ी चमकदार होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे टॉरकॉम कहते हैं कि आप मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन करके अपनी मेंटल बॉडी को फॉर्म कर सकते हैं, ताकि तुम अच्छे काम कर सको। आपका शरीर, मेंटल और इमोशनल बॉडी आपके कंप्यूटर्स हैं जो आपके हाथ में हैं। अगर आपको कोई कंप्यूटर में कुछ सीखने जाना है तो आप सीखते हैं, और जब कंप्यूटर आप सीख जाते हैं तो आप उस क्लास में नहीं जाते, क्योंकि हमारा काम हो गया, अब हम सीख लिए, अब हम अपने को खुद का उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम पृथ्वी पर आते हैं अपने ये तीन बॉडीज को एज हमारी कंप्यूटर के रूप में, कि हम उसको चलाना सीख सके। जीसस ने कहा है, बी परफेक्ट एज योर फादर इन हेवन इज परफेक्ट। जितना ईश्वर परफेक्ट है उस स्वर्ग में, उतना ही आपको परफेक्ट होना है। तो जैसे हम यहां पर परफेक्ट होना सीख लेते हैं, पृथ्वी का स्कूल हम खत्म कर लेते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि पृथ्वी से सीधा जाके आप ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। ईश्वर में तो कभी विलीन ही नहीं होते हैं, ये पूरा बुक में बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे आप प्लैनेट अर्थ का स्कूल खत्म करते हैं, तो आपके लिए एक और नया स्कूल तैयार हो जाता है। आपका पूरा जितनी भी अनंत यात्रा हम कहते हैं, वो परफेक्शन और इम्प्रूवमेंट की जर्नी है। जितना पृथ्वी पर आप परफेक्ट और इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे, फिर दूसरी गैलेक्सी, दूसरे डायमेंशन, ऐसे करके अलग अलग जगह पे आपको परफेक्ट होते जाना है, और एक समय आएगा जब आप पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम पृथ्वी पर ये नहीं सीखे, अपने इन तीनों बॉडीज, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बॉडी को हैंडल करना नहीं सीखे, तब तक के हम इसके गुलाम रहेंगे। आपको डायबिटीज है, पर आप पृथ्वी के और अपने अपने शरीर के और अपने मन के गुलाम हैं, तो आपके सामने रसगुल्ले आ जाएंगे तो आप खाने लग जाओगे। आपको डायबिटीज है, आपको डॉक्टर ने मना किया है, पर आप जीभ के गुलाम हैं, आप इस शरीर की इंद्रियों के गुलाम हैं, तो वो भी सीखना है हमको। इमोशंस अच्छे से अच्छे लाने हैं, वो भी सीखना है। ये तीनों, अच्छे से अच्छे विचार करने हैं, ये तीनों चीजों के बॉडीज में हमको कंट्रोल करना सीखना है। कंट्रोल मतलब जैसा हम चाहें वैसा हम इसको यूज करें। बहुत ही सुंदर तरीके से एक जिक्र किया, बहुत पूरी बुक में एग्जाम्पल्स और जिक्र करके भी टॉरकॉम ने बहुत जगह हंसाया भी है। एक बार उन्होंने कहा कि उमर खयाम एक मॉस्क में गया, मस्जिद में, वहां पे प्रवचन चल रहा था कि ईश्वर हमको बनाता है। रीइंकार्नेशन नहीं मानते ना इस्लाम में, वो कहते हैं कि ईश्वर हमको बनाता है। हमको अगर अच्छा बनाया है, हमको अच्छा घर दिया है, तो वो ईश्वर की कृपा है। और जो डिसेबल बच्चे हुए हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हुए हैं, वो ईश्वर ने उनको बनाया है। सब कुछ ईश्वर के मुताबिक चल रहा है। उमर खयाम सुनता है और वो सोचता है कि ये
ये देखिए, ईश्वर किसी को अपंग नहीं बनाता, किसी को ब्लाइंड नहीं बनाता, हम अपने आप को बनाते हैं। शरीर स्वस्थ रहना जानता है, है ना। तो उमर खयाम ने क्या किया कि वहां पे मॉस्क में जो मस्जिद थी वहां पे बड़ी सुंदर सुंदर कालीन बिछे हुए थे, बस दो तीन कालीन को से लपेटता है अपने इधर पे दबा के बाहर निकल के अपने घर आता है। उसके पीछे पीछे बहुत सारे शेख लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि उमर खयाम आपको लज्जा नहीं आती, इतने अच्छे इंसान हो कि ये कालीन चुरा रहे हो तो मस्जिद से, ईश्वर के दरबार से। तो कहता अभी तो तुम लोगों ने कहा कि ईश्वर सब बनाता है, तो ईश्वर ने मुझे चोर बनाया, तो अगर तुम मुझे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, मुझे चोर कह रहे हो, तो वो ईश्वर को कह रहे हो भाई जिसने मुझे चोर बनाया। तो ये एग्जाम्पल देके टॉरकॉन हंसते हैं कि लोग इस तरीके से अपने आप को मिसगाइड करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर वो अंधे हैं, यदि वो अपंग हैं, यदि वो अस्वस्थ हैं, यदि वो उनके में कोई लाइफ में प्रॉब्लम है तो उनके खुद के कारण है। ईश्वर ने सबको समान रूप से बनाया है और एक फ्री विल दे दी कि जाओ बच्चों जाके अर्थ में आप सीख के आओ, अब उसके बाद हमारी मर्जी, हम 300 जन्म में सीखे, 800 जन्म में सीखे। ईश्वर भी बहुत पेशेंस रखा हुआ, जाओ बेटा आराम से सीखो, कोई जल्दी नहीं है मुझे। और हम भी मूर्खों के समान बस पुनरुपी जन्म पैदा होते जाते हैं, आते रहते हैं। तो ये जो गॉड ने हमको फ्री विल दी, उसके साथ ही हमारे साथ एक यूनिवर्सल लॉ भी दिया कॉज एंड इफेक्ट का। तो रीइंकार्नेशन, जैसे हम जानते हैं कि पहले हमारी फिजिकल बॉडी यहाँ पर मरती है, हम बॉडी वैकेट करते हैं, हमारी एथरिक बॉडी को भी हम यहीं छोड़ के जाते हैं, फिर हमारी जो इमोशनल बॉडी है वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है। एस्ट्रल वर्ल्ड में दो लेवल्स हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन का मैं आंसर यहीं पे यहाँ नहीं देती, चलो मैं बाद में दूंगी इसका आंसर, मैं बताऊंगी आपको बाद में। इमोशनल वर्ल्ड मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में कुछ समय रुकने के बाद हम मेंटल वर्ल्ड में जाते हैं, मेंटल वर्ल्ड के बाद फिर हम रिसाइकल होके कॉजल वर्ल्ड से वापस आते जाते हैं। तो हमको लगता है रॉबर्ट श्वार्ट्ज़ ने जैसा समझाया है कि सभी आत्माओं को बोलते हैं कि चलो बच्चों अपनी अपनी प्री बर्थ प्लानिंग की क्लास में आ जाओ, चलो आ जाओ अपन बैठ के अपन करेंगे, तुम अगले जन्म काल लेने वाले हो। मुझे ऐसा लगता था पहले, परंतु टॉरकॉम कहता है भूल के भी मत सोचना कि हर एक को यह चांस दिया जाता है कि वो प्री बर्थ प्लानिंग करे। पृथ्वी पर तीन तरीके से लोग आते हैं मानव के रूप में। पहले तो आपको ऑटोमेटिक, उन्होंने कहा है ऑटोमेटिक आपकी प्रिंटिंग होती है, जैसे पेपर छपते ना ऑटोमेटिक, बिल्कुल ऐसे छपते हो और पृथ्वी पर वापस आ जाते हो। तुम जाते हो एस्ट्रल वर्ल्ड में, मतलब अपने एस्ट्रल या जो भी वर्ल्ड में बोलो, जैसे तुम्हारा कर्म का समय आता है कर्मा के अनुसार, उसी समय तुम प्रिंट करके किक मार के पृथ्वी पे भेज दिए जाते हो। कोई नहीं पूछता तुमसे कि तुम क्या बनोगे, कौन से पेरेंट्स होंगे, नहीं, क्योंकि तुम इतने अनकॉन्शियसली जिए हो, इतने पाप, इतने बुरे काम कर चुके हो, इतने नेगेटिव हो चुके कि वहां पर कोई चांस ही नहीं है आपको कुछ चूज करने का, आप भेज दिए जाओगे। दूसरा, जो थोड़े बहुत अंतःकरण बना लिए हैं, जो थोड़े बहुत कॉन्शियस हैं कि क्या हो रहा है एस्ट्रल वर्ल्ड में या पृथ्वी में, उनकी जो कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस है, वहां पर आपको अपनी लाइफ का रिव्यू दिखाया जाता है। आप समझते हैं कि हाँ मैंने यहाँ यहाँ गलती करी, यहाँ यहाँ मुझे नहीं करना था। फिर दो तीन दिन तक के अपने वीडियो देखने के बाद आप फिर से अपने एक टाइम के बाद अपने वहां पे कुछ लेसन सीखते हैं और पृथ्वी पर एक फिर जोर शोर से तैयारी करते हैं कि मैं अब आके की करूंगा। यहाँ पर इस पूरी बुक में टॉरकॉम ने कहीं पे भी प्री बर्थ प्लानिंग का जिक्र नहीं किया है। प्री बर्थ प्लानिंग वर्ड हमको रॉबर्ट श्वार्ट्ज़ ने दिया है। इन्होंने बस इतना ही कहा है कि आप आपको मौका दिया जाता है और आप चूज करते हैं अपने पेरेंट्स वगैरह को, अपने सिबलिंग को, और आपको वापस भेज दिया जाता है। तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो पूरे पृथ्वी पर अच्छे से जीकर अपने ग्रेजुएशन को पार कर लेते हैं, अब उनको कोई जरूरत नहीं है, पर अब उनके मन में प्यार है, उनके मन में कंपैशन है, तो वो कहते हैं कि नहीं अब मैं लोगों को सिखाने जाऊंगा, अब मैं अपने लिए नहीं जा रहा हूं पृथ्वी पे, मैं लोगों को लेमिनेट करने, उनको प्रकाशित करने के लिए मैं नीचे जाऊंगा। तो वो अपनी इच्छा से आते हैं। तो तीन टाइप के आते हैं, एक ऑटोमेटिक प्रिंटिंग, टाइम रन्स, किक एंड बॉन्ड, फिर दूसरा इवन चूज पेरेंट्स और अपने प्री बर्थ प्लानिंग आप समझ लीजिए, तीसरा कम अपनी अपनी इच्छा के अनुसार आते हैं और ग्रेट सर्विस करने के लिए आते हैं।
तो रीइंकार्नेशन के लिए कहते हैं कि ऑकल्ट विजडम कहते हैं कि हर जीवन हमारी इस विकास यात्रा में सिर्फ एक मिनट के बराबर रखता है। ये टाइम हम करते हैं ना 70 साल 80 साल, पर आत्मा के लिए वो सिर्फ एक मिनट के बराबर है एक जीवन यात्रा। और उस एक मिनट की यात्रा में हम कितना अटैच हो जाते हैं अपने ग्रैंडसन से, अपने पैसे से, अपने घर से, अपने मतलब कितने हो जाते हैं, कितने मूर्ख हैं हम लोग। और ये यात्रा पहले किंडरगार्टन से शुरू होती है, भाई बेबी सोल वगैरह मैं एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर हमको समर ब्रेक दिया जाता है। समर ब्रेक मतलब गर्मी की छुट्टी मिलती है, हम जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं ना क्लास में, तो हम भी जाते हैं वो समर ब्रेक में अपने घर वापस। फिर हमको भेज दिया जाता है। ऐसे करते करते हम इस प्लेनेट के स्कूल को पार करते हैं। अब पृथ्वी को तो पार कर लिया, अब क्या करना है? अब हमारे लिए और भी प्लेनेटरी स्कूल्स हैं, मतलब बहुत सारी गैलेक्सीज, मतलब बहुत सारे स्टार्स प्लेनेट्स हैं। फिर उसके बाद हमारे सोलर स्कूल्स हैं। अब हम वहां तक के तो बहुत दूर की बात है, अभी तो पृथ्वी में ही है। सोलर स्कूल्स के बाद आपके कॉस्मिक स्कूल्स हैं। ये अनंत यात्रा है, इन्फिनिटी इज द पाथ ऑफ ह्यूमन सोल। तो पर स्कूल में जब अपन पृथ्वी पर आते हैं तो हमको शरीर की जरूरत है, क्योंकि हम टच करके, फील करके, इमोशन के द्वारा बहुत सी चीजें सीखते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं ये अपने शरीर के सुखों के द्वारा। चाहे खाने का स्वाद बोलो या सेक्स बोलो, ये जो भी हमारे शरीर की इंद्रियों के सुख हैं वो पृथ्वी पर ही हैं। तो वो कार्नल मतलब बॉडी, इसके लिए हमको बॉडी की जरूरत पड़ती है ताकि हम सीख सकें। ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ रीइंकार्नेट हो रहे हैं। टॉरकॉम कहते हैं कृष्णा के भी कई जन्म हो चुके थे, कृष्णा को अपने सारे जन्म याद थे। बुद्धा ने भी कम से कम अपने 500 जन्मों के बारे में उन्होंने बताया है, और आखिरी तो उन्होंने जन्म टॉर्टोइस के रूप में थे तब तक के का भी बताया है। जीसस ने भी कहा था बिफोर अब्राहम आई वॉज, मतलब हरेक के हुए हैं। ऐसा मत सोचना कि हम ही लोग पापी हैं, अरे हरेक के होते हैं। बहुत अच्छा एक कोटेशन है ना कि हर संत कभी न कभी पापी था, और हर पापी कभी न कभी संत होगा। तो सभी लोग इस यात्रा से गुजर रहे हैं, तो आप उदास मत हो, हम सब करेंगे। जैसे टॉरकॉम कहते हैं कि अभी हम सब, जैसे अभी आप मेरा रिकॉर्ड वाला है, कई लोग अभी जूम मीटिंग में नहीं है तो वो कल परसों कभी भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग को मेरी, है ना, हम रिकॉर्ड करके सब कुछ सुन सकते हैं। टॉरकॉम कहते हैं एक समय ऐसे आएगा जब हम बुद्धा की और जीसस की जितनी भी स्पीचेस हैं, उनके फोटोज हैं, हम देख पाएंगे, सुन पाएंगे, क्योंकि स्पेस में, इस ब्रह्मांड में हर चीज रिकॉर्ड के रूप में मौजूद है। सीक्रेट डॉक्ट्राइन कहता है कि जैसे आदमी पैदा होता है, प्रौढ़ होता है, जवान होता है, प्रौढ़ होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त करता है, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही हर प्लैनेट, हर गैलेक्सी पैदा होती है, फिर वो बूढ़ी होती है और फिर वो गायब हो जाती है, मतलब मृत्यु प्राप्त करना, मतलब डिसअपियर हो जाती है और फिर वो आती है। मतलब सिर्फ रीइंकार्नेशन हमारा ही नहीं होता है, हर स्टार, हर प्लैनेट, हर सोलर सिस्टम का भी होता है। एजलेस विजडम जब आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कभी कभी जो ये प्रलय है ना, वो सिर्फ एक स्टार या एक प्लैनेट के लिए होता है, कभी पूरी एक सोलर सिस्टम के लिए होता है, कभी पूरी एक गैलेक्सी के लिए होता है, और एक समय आएगा जब पूरी सृष्टि के लिए होगा। बहुत सारे कैलकुलेशन करके रखी है, मैं तो पढ़ के सोचते रहती हूँ कि कितने महान लोग हैं। पर चलिए, यहाँ पर टॉरकॉम बोलते हैं कि हम एजलेस विजडम वाले, मतलब एजलेस विजडम में 7 fields या 7 planes हैं। जैसे फ्रेंड्स हम लोग एथरिक का गिनते हैं ना, इन लोग एथरिक को नहीं गिनते हैं। इन लोग कैसे कैसे कहते हैं, फिजिकल, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल बॉडी, फिर एस्ट्रल जिसको हम इमोशनल बॉडी वाला बोलते हैं, फिर मेंटल। ये 3 हमारी लोअर बॉडीज मानी जाती है एजलेस विजडम के अनुसार, है ना, ये हमारी 3 लोअर बॉडीज है। इसमें आप एथरिक भी घुसा दीजिए, वो समझ जाओगे आप, है ना। फिर जो हमारी जो 4 हायर बॉडीज हैं वो है इंट्यूशनल, आत्मिक, मोनेडिक और डिवाइन। सब आप समझ लीजिए 4 हायर बॉडीज है हमारी। मेंटल में भी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एक लोअर मेंटल है जो सिर्फ अपने घर बार के बारे में सोच रहा है, बच्चों, खाने पीने, आजीविका के बारे में। हायर मेंटल जो अच्छे विचार कर रहा है, कल्याणकारी विचार कर रहा है, लोगों के भले के लिए सोच रहा है,
ज्ञान है उसके पास, तो वो हायर मेंटल तक के पहुंचा, तीन लोअर चार हायर। इसलिए मैं आप लोग को याद दिला रही हूँ क्योंकि आखिरी के समय में इसका काम पड़ेगा। आपकी जो अगली बॉडी बनेगी ना, हमारी जो अगले फ्यूचर की जो नीता की बॉडी बनाएगा, वो मेरी चार हायर बॉडीज जो है वो डिटरमाइन करेंगी कि नीता की अगली बॉडी कैसे होगी, आपकी भी ना, नीता की नहीं, सबके। तो जैसे मैंने कल बताया था कि मोनेडिक प्लेन, जिसको हम ऐसे हम बोलते हैं आकाशा, हमारे कॉजल बॉडी में रहता है, कॉजल वर्ल्ड में रहता है, ये बोलते हैं मोनेडिक प्लेन में रहता है, सारी रिकॉर्डिंग्स हमारी रखी जाती है, जिसको सी ऑफ फायर भी कहते हैं, आकाशा कहते हैं, बुक ऑफ गॉड कहते हैं। हमारी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जितनी भी है वो सब उसमें रिकॉर्डेड होती है। अगर आपने किसी एक को भी मेडिटेशन सिखाया, एक को भी, वो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आपके लिए वहां आकाशा में दर्ज होगी। आप सोच लीजिए, आपको लगेगा कि एक दो लोगों को सिखा दिए तो कौन सा, नहीं, एक एक को भी सिखाने से आप एक ब्रह्मांड में रिपल क्रिएट कर रहे हैं और अपने आकाशा में दर्ज कर रहे हैं। अगर कोई चीज का क्रेडिट नहीं मिलता ना, तो आप चुप होके बैठ जाइए। मैं तो यही बोलती हूँ, यहाँ नहीं मिल रहा है क्रेडिट, कोई बात नहीं, अरे आकाशा में एक एक चीज लिखी जा रही है, एक मिनट भी मिस नहीं होता है, क्योंकि जो डिवाइन इंटेलिजेंस है वो बिना कोई चीज को गायब करे हुए एक एक चीज दर्ज करता है। तो उन्होंने कहा है कि, कल मैंने बता चुकी थी, अभी मैं नहीं बताती, आपने देखा कि एस्ट्रल प्लेन पे हमारे जितने भी पूर्व जन्म के हैं उसके रिफ्लेक्शन पड़ते रहते हैं। हम कितने भी प्योर हो जाएं, एस्ट्रल वर्ल्ड में हम जब मेडिटेशन में जाते हैं या सपने में जाते हैं, तो हमको अपने पास्ट लाइफ या अपना फ्यूचर, जो भी हमने प्री बर्थ प्लानिंग की होगी, जो भी आप समझ लीजिए, वो बहुत डिस्टॉर्टेड फॉर्म में दिखता है। आप प्योर हो गए, पर हो सकता है आपके आसपास के लोगों की जो थॉट्स और उनके नेगेटिव इमोशन है वो बहते बहते आए। तो हर तीन मिनट में वो एस्ट्रल वर्ल्ड में इतने चेंजेस होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि आपकी आकाशिक रिकॉर्ड आपको क्या बताना चाह रही है, क्योंकि पॉल्यूटेड होता है पूरा वो एस्ट्रल वर्ल्ड। तो जितने भी लोग भी दिखते हैं वो 99% डिस्टॉर्शन है, सिर्फ 1% ही होते हैं। यदि आप सेकेंड इनिशिएशन तक पहुंच गए, मतलब प्यूरिफाइड हो गए हैं, आपको सबके लिए प्यार है, आपको गर्व घमंड नहीं है, गुस्सा नहीं आता, माया से आप दूर हो गए हैं, आपके वर्ड्स, थॉट्स, इमोशनल बॉडी अच्छे तरीके से प्यूरिफाइड हो गई है, आप हार्मलेस जीवन जीते हैं, तो आप सेकेंड डिग्री तक के अच्छे से पहुंच गए हैं। पर उसके बावजूद आप अपने भविष्य को या अपने पास्ट लाइफ को या अपने लाइफ में क्या भी हो रहा है वो नहीं देख पाएंगे। वहां पर टोटल प्यूरिफिकेशन आपका होगा, या जब आप फोर्थ इनिशिएशन तक के पहुंचते हैं, आपकी पूरी एस्ट्रल बॉडी क्लीन हो जाती है, एलिमिनेटेड हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, और आप अपना, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो मेंटल और हायर प्लेन से ऑपरेट करने लग जाते हैं। फिर आप कोई इमोशन में नहीं फंसेंगे, कोई खाने पीने या कोई शरीर के सुख में नहीं फंसेंगे, और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड के लिए ये सब बता रहे हैं कि आप कब देख पाएंगे। अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ एलिजिबल? क्योंकि वो कहते हैं, हमारे ग्रेट टीचर्स कहते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने के लिए कम से कम 10 साल तक उसको वेजिटेरियन होना आवश्यक है। अभी मुझे सिर्फ 5.5 साल हुए हैं वेजिटेरियन बने हुए, तो 4.5 साल और वेट कर लेती हूँ, शायद कभी किसी दिन पढ़ पाए। तो 10 ईयर्स तक के आप सोचिए आपकी बॉडी में नॉनवेज का इफेक्ट आपकी एस्ट्रल बॉडी में रहता है और आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को नहीं पढ़ पाते। और जो 10 साल से वेजिटेरियन है और जो कड़े अनुशासन में रहता हो, एक एक थॉट और अपने कहते हैं ना इमोशन के प्रति तो हैवी डिसिप्लिन में रहता हो, तो वो एस्ट्रल प्लेन में बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। यहाँ पे 5 डिग्री बताई है स्टेजेस ऑफ एस्ट्रल प्लेन। मैं इसके ये इसको मैंने नोट किया है क्योंकि कई लोग मुझे कहते कि मुझे ल्यूसिड ड्रीमिंग होती है। कई लोगों को मालूम चलता है कि मैं सपना देख रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी मेरे काम के तो नहीं है, क्योंकि मैं तो सपने को सपने के रूप में देखती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं सपना देख रही हूँ। मैं मजे से उसमें गोते खाते रहती हूँ, जब सवेरे आंख खुलती है फिर पता चलता है अरे मैं तो सपना देख रही थी, है ना। पर कुछ लोग होते हैं भाई हाई वर्ल्ड, अच्छे लोग। तो उन्होंने कहा है कि सभी लोग तो एस्ट्रल वर्ल्ड में पहली डिग्री पे देखते हैं, अपन सब जो रोज जा रहे हैं मेडिटेशन में और नींद में अनकॉन्शियसली देखते हैं, है ना। तो कहा कि अगर तुम
एस्ट्रल वर्ल्ड में तुम अपनी इमेज, डिजायर, लाइफ, एस्पिरेशन और फीलिंग्स को जब तुम चेंज कर सकते हो, तब वहां पर आप समझ जाओ सेकेंड डिग्री अवेकन हो एस्ट्रल वर्ल्ड में। वहां पे अपनी डिजायर, फीलिंग सबको चेंज कर सकते हैं ना, वो सेकेंड डिग्री है। जब किसी को कोई सपना ही नहीं आता है, आता भी है तो वो देखता है और उसको इरेज कर लेता है, जैसे ब्लैक बोर्ड में अपन इरेज कर देते हैं ना, मिटा देते हैं, वैसे ये सपना है मिटा सकता है। वो थर्ड डिग्री पे है अवेकन। फोर्थ डिग्री पर वो होते हैं जो बकायदा एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, अच्छा इस समय ये कर रहा है, ये कर रहा है। फिर सवेरे उठ के अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि तुम रात के कल 12 बजे ये कर रहे थे क्या, तुमने ये कपड़े पहने थे और तुम ये कर रहे थे? वो बोलेगा हाँ मैं तो ये सब कर रहा था। तब पहचानोगे कि तुम हाँ अवेकन हो गए हो। फोर्थ डिग्री तक के वेरीफाई कर सकते हो अपने फ्रेंड से। और फिफ्थ डिग्री के जो स्टेज होता है, वो इतने अच्छे लोग होते हैं, हाई वर्ल्ड सोल्स होते हैं कि वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते ही नहीं है, वो सीधा उसको सरपास करते हुए मेंटल वर्ल्ड में चले जाते हैं। ऐसे भी लोग होते होंगे, कभी हम भी आएंगे यार। हमेशा थिंक बिग, है ना। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई लोगों को होता है। तो एजलेस विजडम कहता है कि प्रलय मनवंतर आते रहती है, ये तो नेचुरल लॉ है। जैसे ईश्वर जब भी सांस छोड़ता है, जब भी सांस छोड़ता है वो ईश्वर, तो पूरी सृष्टि बन जाती है। और जब भी वो इनहेल करता है तो प्रलय आती है। मनवंतर और प्रलय चलते रहता है। मैंने बताया ना, कभी कभी सिर्फ एक स्टार के लिए, सिर्फ एक स्टार को वो संभालेगा अपने, फिर वो स्टार को वापस कुछ शताब्दियों के बाद वापस भेज देगा। कभी सोलर सिस्टम, कभी पूरी की पूरी गैलेक्सी। और एक टाइम आएगा जब पूरी सृष्टि भी प्रलय में जाएगी। मैडम ब्लेवेस्की, जो हेलेना ब्लेवेस्की है, वो कहती है कि तीन नियम साथ में चलते हैं। हम कहते हैं कि री इनकार्नेशन है, अच्छा ठीक है, वहां पे कॉज एंड इफेक्ट है, ठीक है। और हम थोड़ा थोड़ा सोचते थे, जो रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने बताया था, कि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ ना, तो मैं हर जगह कंपेयर करते रहती हूँ। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने बोला कि लॉज ऑफ वाइब्रेशन भी आपका काम करती है, कि जिस वाइब्रेशन में आप मर रहे हो वही आप वाइब्रेशन के आप पेरेंट्स अट्रैक्ट करोगे, ऐसा मैडम ब्लेवेस्की ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन में कहा है। कि तीन नियम जब आप पैदा होते हो तो एक साथ चलते हैं। पहला तो लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन है ही आपका, फिर दूसरा कॉज एंड इफेक्ट कर्म का है ही, तीसरा है नियम द सेप्टेनरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब आपके जो सात शरीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं, संयोजन कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, जो सप्त शरीर का जो संयोजन है वो आपके रीइंकार्नेशन को डिटरमाइन करता है। जैसे मैंने कहा ना, तीन लोअर बॉडीज और चार हायर बॉडीज, ये सातों मिलकर हमारी न्यू बॉडी बनाते हैं, हमारे न्यू सर्कमस्टांसेस पैदा करते हैं। वो आखिरी चैप्टर में बताऊंगी, ठीक है। तो सात जो हमारे शरीर है उस पर हमको मेहनत करते जानी है। तो उन्होंने कहा कि हम सबके पास ऑरा है, किसी के पास 15 इंच तक के, किसी के पास 3 मील तक के, जो हाई वॉल्ड रहती हैं। किलियन ग्रॉफी से भी ये मालूम चल गया है, हमारा जो शरीर है वो हमारे ऑरा का रिफ्लेक्शन मात्र है। फिजिकल बॉडी कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हमारी ऑरा को की परछाई है। अब साइंटिस्ट भी मानने लग गए हैं कि हमारी मेंटल और इमोशनल बॉडी एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है। अब आप बताइए, गर्भ में एक छोटा सा शिशु है 3 महीने का, जिसका अभी पूरी तरीके से ब्रेन भी नहीं बना, फिजिकल ब्रेन तो नहीं बना, फिर वो अपने मदर और फादर के बातचीत को कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, अपने वातावरण को, अपने मम्मी पापा के इमोशन को, हर चीज को कहां रिकॉर्ड कर रहा है, जब ब्रेन ही नहीं बना है पूरा, तो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है? मतलब कोई तो एक ऐसी चीज है जो रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि पैदा होने के बाद यदि उनको पास्ट लाइफ में लेके जाएं तो वो बकायदा बताएगा कि मैं जब घर में 2 महीने का था तो मेरी मम्मी पापा की लड़ाई हुई थी, मम्मी दूसरे रूम में जाके रोई थी, पापा ने ये बोला था, मतलब सब चीज बताते। क्यों? तो बोले अब साइंटिस्ट टच करने लग गए हैं, क्योंकि उसके बियॉन्ड भी कुछ है। अब कॉज एंड इफेक्ट के बारे में हम सब जानते हैं, कर्म के बारे में, पर यहाँ पर एक अलग तरीके से टॉरकम समझाते हैं हमको।
मैंने एनर्जी के रूप में भी आप लोगों को समझाया है कर्म, कि जैसे हम कोई गलत काम करते हैं हमारी एनर्जी फील्ड में वो दर्ज हो जाता है, हमारी ऑरा, वही है एस्ट्रल और मेंटल ऑरा, फिजिकल बॉडी, उसके बाद हमारी एथरिक, फिर उसके बाद हमारी इमोशनल ऑरा, फिर मेंटल ऑरा, वो मिला के हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो वो कहते हैं कि जो भी आप सौ जैसे बोगे वैसे क्या, जैसे बोगे वैसे ही काटोगे, अपन बोलते हैं ना जो बोगे काट, तो वो सब तो हम जानते हैं। तो वो कहते हैं कि आपके बॉडी को जला भी दिया जाए तो भी आपके जो एटम्स हैं, जो आपके बॉडी के, जिसकी ये सेवन बॉडीज के जो स्ट्रक्चर के जो एटम्स हैं, वो जो हमारे तीन परमानेंट एटम्स हैं, वो हमारा माइंड रजिस्टर करते रहता है। फिजिकल लेवल पे हमने क्या क्या किया, किसी को थप्पड़ मारा, किसी को वर्बली हमने कुछ बोला, वो फिजिकल हुआ ना, किसी को गाली गलौज किया, किसी के लिए बोला, किसी के लिए बुरा सोचा, किसी से जलन की, किसी से नफरत की, जितने इमोशनल फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज हैं वो हमारा माइंड रजिस्टर करता है तीन परमानेंट एटम्स के रूप में। बहुत पहले जब मैं कर्मा बता रही थी तो आप याद करिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी के लिए बहुत प्यार महसूस करते हैं या नफरत महसूस करते हैं तो हमारी इमोशनल बॉडी में वो क्रिस्टलाइन हो जाता है। क्रिस्टलाइन हो जाता है मतलब जैसे बर्फ जम जाती है ना, वैसे बर्फ जम जाता है। तो वो कहते हैं कि ये आपके तीन एटम्स परमानेंट बन जाते हैं, आपके जलाने पर भी वो एटम्स नहीं जाएंगे, वो ईथर में घूमेंगे, और जब आप नई बॉडी लेंगे तो यही आपके एटम्स फिर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे न्यू बॉडी को। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा कि अगर किसी को आपने शारीरिक क्षति पहुंचाई तो आपका जो हार्मफुलनेस है, हानि पहुंचाने का है, वो आपके फिजिकल बॉडी में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब जब फिजिकल बॉडी में रिकॉर्ड होएगा तो अब आपकी जो वो एटम्स हैं, रिकॉर्डेड एटम्स हैं, वो ना तो साफ रहेंगे, ना क्लीन रहेंगे, ना प्योर रहेंगे, ना ब्यूटीफुल रहेंगे। अगला जन्म लोगे तो यही रिकॉर्डिंग आपके बॉडी में कई बीमारियां या आपके शरीर में अपंगता, ये सब कुछ लेके आएगी, जो जो आपने किया है। आपको कोई चॉइस नहीं दी जाएगी कि बेटा तुम इस जन्म में अपंग बनोगे क्या, अच्छा ये बॉडी में ये बीमारी लोगे क्या। नो, आपके परमानेंट एटम्स, याद करिएगा ये जो सेप्टेनरी कॉन्स्टिट्यूशन का बोल रही हूँ उसको बहुत आप लोग मन में रखिए। क्योंकि देखिए, दो घंटा आप जूम सेशन में है मेरे साथ, एक घंटा डेढ़ घंटा आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तीन चार घंटे आप प्रोटेक्टेड हैं कि आप गलत नहीं सोच रहे, पर जैसे जूम बंद हुआ अपन ने और कुछ सोचना शुरू किया तब आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। मतलब मैं अब बहुत अवेयर होते जा रही हूँ, अगर मैं किसी के बारे में सोचूं नहीं बाबा कुछ और काम करने लग जाओ, जो जैसा कर रहा है उसको अपने आप ठीक है। वैशाली हंसो मत, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक है ना। और उन्होंने कहा है टॉरकॉम ने कि अगर मान लो आपने 90% तक के अपने मेंटल बॉडी का डेवलपमेंट कर दिया, आप अच्छे अच्छे विचार कर रहे हो, अच्छा ज्ञान ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए बिल्कुल अहित नहीं सोच रहे, लोगों के लिए कल्याणकारी सोच रहे, अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर रहे, 90 डिग्री तक के आपका मस्त मेंटल बॉडी विकसित हो गई, आप मर गए तो मत सोचना कि ये वेस्ट जाएगा। अगली बॉडी में जब आप आओगे तो 90% वाली मेंटल बॉडी लेके आएंगे। यही जन्म दर जन्म हम तो सीखते जाते हैं ना अपने आप को और विकसित करते जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये जो तीनों नियम है याद रखिएगा, हमेशा साथ साथ चलते हैं, इंटर रिलेटेड है। अग्नि योगा इनका जो एजलेस विजडम है उसी का ही एक पार्ट है अग्नि योगा, उसकी भी बुक मैं कभी पढ़ूंगी। अग्नि योगा की शिक्षा कहती है कि आप फिजिकली क्या कर रहे हो, आपके कर्म क्या है, आप कर्म नहीं, आप शारीरिक रूप से क्या कर रहे हो उसके तरफ ध्यान रखो। पर टॉरकॉम कहते हैं कि जो ये नया युग आया है, आप शारीरिक रूप से क्या कर रहे हैं उसको तो बहुत साइड में छोड़ दीजिए, आप इतना बस ध्यान रखिए कि आप सोच क्या रहे हैं। क्योंकि इस समय हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स, हमारे अगले जन्म का निर्माण कर रहे हैं। आपके कैसे फ्रेंड रहेंगे, आपका एनवायरमेंट कैसे रहेगा, आपके रिश्तेदार कौन रहेंगे, आपका स्पाउस कौन रहेगा, हर चीज आपके इस थिंकिंग पर डिपेंड है। अभी जो प्रदीप सर ने धर्मा वाले रिट्रीट अपने को दिए थे, उस समय ज्ञान दिए थे, तो अधूरी इच्छाएं और जो हमारी वासनाएं हैं वो कितना उन्होंने डीपली बताया था।
हमारे थॉट्स हमारे इस जन्म को भी चला रहे हैं और अगले जन्म को भी। उन्होंने कहा है टॉरकॉम ने कि अगर आपके थॉट्स क्रिमिनल हुए, मान लीजिए आप सिर्फ किसी के लिए क्रिमिनल क्राइम को सोच रहे कि यार उसको तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए या उसका हाथ पैर तोड़ देना चाहिए, ऐसे फालतू की चीजें आपके दिमाग में अगर चल रही है, आपने किसी को पहुंचाया नहीं नुकसान, सिर्फ थॉट है। अगला जन्म आपको एक ऐसी अब्यूसिव फैमिली में, ऐसे अल्कोहलिक वाली फैमिली में डाल दिया जाएगा ताकि जो आपके जो ये थॉट्स है ना उसको जर्मिनेशन, उसको मैनिफेस्ट होने का मौका मिले, क्योंकि आपने अट्रैक्ट किया है ऐसे क्रिमिनल पेरेंट्स लोगों को। तो आप बहुत ज्यादा अपने थिंकिंग के प्रति अवेयर होते जाइए। हम धीरे धीरे हर जन्म दर जन्म मैच्योर होते जाते हैं, परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाते हैं, परंतु जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो हमारी पूरे हर जन्म को चलाती है। इस दुनिया में कोई भी एक्सीडेंटल चीज नहीं है। फिर उन्होंने कहा है कि हमेशा याद रखिए कि आप एक अमर आत्मा हैं। हम यूनिवर्स की छोटी छोटी सेल हैं जो आती हैं इस प्लैनेट को रिफाइन करने। जैसे हमको लगता है कि हम सिर्फ अपना विकास करने आते हैं ना, तो इस चैप्टर में उन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से बताया, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी आपको, बहुत डिटेल में इन्होंने बताया कि कैसे हम खाना खाते हैं, कैसे पचाते हैं, और मतलब यहाँ के जो कैल्शियम मिनरल्स उनको भी हम रिफाइन करके छोड़ के जाते हैं। हमारे पास जो भी इमोशंस आते हैं हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर हम उसको धीरे धीरे जन्म दर जन्म अच्छा बनाते हैं, लव रेडिएट करते हैं, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, मतलब हायर इमोशंस है ना, जो हमारे क्रिएटिव इमोशंस है। तो हमारा काम है यूनिवर्स को, मतलब इस पूरे प्लैनेट को रिफाइन करना, इमोशनली मेंटल रेल्म्स में भी और फिजिकल फॉर्म में भी। ये डिटेल में आप पढ़ के ही समझ पाएंगे। उन्होंने कहा पहले अपनी बॉडी को आप रिफाइनिंग करिए। आपके दो तरीके से बॉडी को रिफाइन कर सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस और अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करें बनाएं, और दूसरा अपने शरीर के द्वारा अपने उस ईश्वर की जो इच्छा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ इस यूनिवर्स को हम पहले से ज्यादा बेहतर बना के जाए, पहले से ज्यादा कॉन्शियस बना के जाए। तो वो कहा है कि अपने ईश्वर के प्रति भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करना है। हम बोलेंगे कि अपनी बॉडी को हम ठीक है भाई, हम तो न शराब पीते न नॉनवेज खाते हैं, हम तो अच्छा अच्छा खाना खाते हैं सात्विक। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी बॉडी सिर्फ खाने तक के लिमिट नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, वो सब कुछ है। और हम मर जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को बॉडी इमोशन से आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। हम जानते ही नहीं कि हम इमॉर्टल हो सकते हैं। पहले जमाने के ऋषि मुनि कितने कितने सालों तक के रहते थे, हम इसी में ही फंस के जल्दी जल्दी अपने को ही सैबोटाइज करते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं और मरते जाते हैं। और सीक्रेट ऑफ इमॉर्टेलिटी को हम नहीं जानते, और हमारे रीइंकार्नेशन का जो उद्देश्य है वही है परफेक्ट होना। तो हमको मरने के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने कहा है कि डेथ के पहले आप बहुत पहले अपने आप को तैयार कर लो। जितनी भी आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर दो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मुझे बहुत पसंद आया था कि अगर आप 70 साल तक के स्वस्थ, मैं ये करूंगी है ना, मेरे हस्बैंड अच्छे से जानते हैं मैं ये करने वाली हूँ, अगर आप 70 साल तक के स्वस्थ हैं तो आप अपने लिए थोड़ी सी पूंजी रखिए और बाकी अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स लोगों में आशीर्वाद के साथ बांट दीजिए। मरने के पहले दे देना अच्छा है, क्योंकि मरने के बाद तो वैसे ही ले लिया जाएगा ना, और हमारे हिस्से में गुड कर्मास कुछ भी नहीं आएंगे। मुझे ये वाली बात बहुत पसंद आई, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा लिखा है कि वैसे ही आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे सब ले लेंगे प्रॉपर्टी, क्या फायदा आपके अगर गुड कर्मास नहीं आ रहे। आपने इतनी मेहनत से अर्न किया है तो पहले आपको गिविंग का, जाने के पहले गिविंग का फायदा, मतलब वो अच्छे गुड कर्मास का फायदा उठाना चाहिए।
तो जितना आप पहले दे देंगे उतनी ही ब्लेसिंग्स और जॉय आप फील करेंगे, और वो आपके हायर वर्ल्ड्स में जाने के लिए ईंधन का काम करेगा, फ्यूल का काम करेगा। आपको मालूम है ना कि जब आत्मा मरती है, जब आत्मा नहीं मरती, जब शरीर में से आत्मा निकलती है, तो उस आत्मा को आगे की यात्रा करने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए, एक फ्यूअल चाहिए, नहीं तो अर्थ बाउंड सोल बन के बैठ जाओगे। बहुत ही अच्छा बुद्धा ने कहा था कि एक मरते हुए व्यक्ति को कि तुमने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, मतलब कई गाड़ियां भर के उसके अकूत संपत्ति थी, तो उसने कहा तुमने पाथे तैयार किया, पाथे मतलब वो जो आगे की यात्रा है उसके लिए सामान तैयार किया, तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त, हम ले जाते ना स्टेशन या फ्लाइट में जाते तो कुछ खाने पीने का मिक्सचर ड्राई फ्रूट्स रख लेते अपने खाने का, तो वहां की यात्रा के लिए पाथे आपने तैयार किया है, चलो डिग्रेशन नहीं। तो वो कहते हैं कि आप मरने के पहले ब्लेसिंग्स और जॉय को लोगों को बांटो, अपनी प्रॉपर्टी को बांटो, ताकि आपके गुड कर्मास भी हो और आप जॉय के साथ जब मरेंगे तो वही आपके फ्यूल आपकी आत्मा को आगे की तरफ बहुत इजीली लेके जाएगा। उन्होंने एग्जांपल दिया कि हेलेना ब्लेवस्की और निकोलस रॉय रिच होंगे उनके कोई एनलाइटेन मास्टर्स है ना, मैं इसी में ही पढ़ी हूँ। उन्होंने जब उनके जाने का वक्त आने लग गया तो वो अपने घर वापस चले गए, उनके म्यूजियम में उनके जो क्या बोलते हो आर्टिकल्स और कार्विंग्स चालिसेस जो भी पात्र वो जो सुंदर सुंदर नहीं रहते हैं वेसल्स वगैरह ज्वेलरी कारपेट्स वो सारी संपत्ति अपनी दान कर दी, सिर्फ अपने लिए छोटी सी पूंजी रखकर, और थैंक यू बोला सबको। और आप भी ऐसा ही करिए कि थोड़ी मात्रा अपनी प्रॉपर्टी की रखिए, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स लोग को जरूर बांट के जाइए और बोलिए थैंक यू कि आप सभी ने मेरी मदद की, आप कितने अच्छे हैं। एलिस बेली के बारे में बताते हैं कि उन्होंने तो अपनी ज्वेलरी वगैरह इयर रिंग सब कुछ तो बांट दी, बोले उन्होंने अपनी यूज की हुई पेंसिल्स तक के देखे गई हैं, मतलब वो इतना गुड कर्माज एक गिविंग का जो जॉय होता है वो सब लेके गए हैं। तो आप बिल्कुल ये सब बांट दो, मैं बांटूंगी तो मुझे भी बांटना है ना, लिस्ट बनाऊंगी अभी नहीं, अभी टाइम में जाने में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सारे ऋण आप मरने के पहले चुका दें। ये रीन कार्नेशन में आपको जो कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और उसको पालन भी करिए। जितने भी आपके अगर कोई ऋण है कभी किसी ने लिए होंगे तो उसको चुका दें, नहीं तो आपको एस्ट्रल और मेंटल वर्ल्ड्स में बहुत एंजाइटी और वरीज का सामना करना पड़ सकता है, वहां पे हमारी वो जो मेंटल बॉडी है वो दुखी होती है। तो उन्होंने कहा है कि अगर मान लो आप नहीं चुका पा रहे हैं, आपके पास अभी इतने पैसे नहीं है मरने के समय कि आप चुका पाए, तो आप कम से कम उसके पास जाएं और कहें कि मैं आपका उधार नहीं चुका पा रहा हूं, आप ये ले लें या इसको ले लें या जो भी तुम चाहते हो ले लें, और उनसे माफी मांगे, आई एम सॉरी नेक्स्ट लाइफ में मैं आपको चुका दूंगा। ये आप जरूर बोले, नेक्स्ट लाइफ में आपको चुकाना ही है, पर आप खुद उसको एक ग्रेटिट्यूड और एक फॉरगिवनेस लेकर आप जाइए। उन्होंने कहा है मोहम्मद ने जब उसकी मृत्यु हो रही थी तो अपने शिष्य को बुला के कहा था कि मेरे जाने का वक्त आ गया है, मैंने अपने पड़ोसी से एक छोटा सा चिकन उधारी लिया था, मैं मरने के पहले वो छोटा सा एक चिकन का उधार भी नहीं रखना चाहता, पहले जाओ उसे दे के आओ तभी मैं अपनी सांस को छोड़ू। और बाकायदा ऐसा ही हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जो हम ये उधार लेते हैं वो मटेरियल सिर्फ चीजें नहीं होती है, हमारी मॉरल स्पिरिचुअल और मेंटल भी हो सकती है। जो भी चीजें आपने उधार ली हैं आपके आपको चुकाना ही है। और यदि आपने मेंटली किसी को हार्म किया, जैसे मैंने कहा ना कि अपन ने उधारी तो अपन हो सकता है भाई उसने चिकन लिया था, हमने कुछ रुपए लिए होंगे या किसी से ज्वेलरी ली होगी किसी ने उधारी, जो भी होगा, पर मान लो आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, तो आप आखिरी समय में जरूर उससे कहें, उसके पास जाएं, अगर नहीं जा सकते तो आप उसको फोन करके कहें कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैंने जो भी किया उसके कारण मैं दुखी हूं, मैं क्या कर सकता हूं कि आप मुझे माफ कर दें। और आप ये माफी जब मांगे तो दिखावे से नहीं, बहुत ही सिंसेरिटी से आप उससे माफी मांगे। और जिन्होंने भी आपकी मदद की हो, आपकी हेल्प की हो, उनको जरूर मरने के पहले ग्रैटिट्यूड दे के जाए आप बकायदा, क्योंकि जैसे हम उन्होंने कहा है कि ग्रैटिट्यूड जितना आपका इंक्रीज होता है सोल में उतना आपके पास एनर्जी बहुत जाती है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हाईएस्ट वाइब्रेशन है एनर्जी का,
तो आप जितने लोगों को ग्रेटिट्यूड बोल के जाएंगे आपके सोल में उतनी एनर्जी रहेगी और वो नेक्स्ट वर्ल्ड में जाने के लिए काम आएगी। और ग्रेटिट्यूड मस्ट बी एक्सप्रेस विद माइंड एंड हार्ट, फिर पूरा डांस करके गाना गा के जिस तरीके से आपको करना है करिए। अगर किसी ने आपको जगाया है, अवेकन किया है, किसी ने आपके आपको भावनात्मक किसी भंवर में डूबने से बचाया है, किसी ने आपको स्पिरिचुअल पाथ में आगे किया है, किसी ने आपको अच्छाई के बारे में बताया है, उसको ग्रैटिट्यूड दिए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। और सभी को आप ग्रैटिट्यूड देना। टॉरकॉम कहते हैं जब आप बूढ़े होने लग जाएं तो एक लिस्ट बना लें कि किन किन को मुझे ग्रैटिट्यूड देना है और उन्हें ब्लेसिंग्स और लव भेजें, बकायदा लिख कर कि आपने मेरी मदद की, आपको बहुत बहुत आभार, और अगर हो सके तो उसके साथ पैसे भी भेजें। मैंने कहा ना प्रॉपर्टी बांटना है, बांटना वैसे ही ले लिया जाएगा तो बांट के जाओ बाबा। तो वो कहती मनी भी दे देना और उसमें लिखना कि तुमने मेरी मदद की, मैं आपका बहुत आभारी हूं और ये मैं उपहार भेज रहा हूं, इसे आप ग्रहण करें। पर कहते हैं टॉरकॉम की मानवता ऐसा काम नहीं करती। आई ईट यू, यू ईट मी। हम मरने के पहले तक के बस एक दूसरे को मारने के तैयार रहते हैं। पर आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करते जाइए, एनर्जेटिक और प्रोग्रेसिव बनते जाइए, ये सब। फिर उन्होंने कहा है कि जो लोग इमॉर्टेलिटी में विश्वास नहीं करते हैं वो सूक्ष्म संसार में, सटल प्लेन्स में जाके ब्लाइंड कॉप्स के रूप में, मतलब अंधी लाशों के समान वहां घूमते रहते हैं। वहां पर 2000 से 3000 साल तक के रहते हैं और वापस भेज दिए जाते हैं। यहां पर जिक्र करके कहा है अनाथ आश्रम को भी दे सकते हैं, जिनको भी दीजिए। पर देखिए जिनकी जिन्होंने आपकी मदद की है किसी न किसी रूप में, कितने हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम जानते हैं, उनको क्यों नहीं देना। हर चीज आप सिर्फ समाज सेवा के लिए ही क्यों कर रहे हैं? आप अपने आपके भी तो फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको भी बांटिए। और आपको लगता कि नहीं लायक ही नहीं है, सिर्फ अनाथ आश्रम में दो तो अनाथ आश्रम में देके जाना, पर देख के जाना, लेके वैसे ही छीन लिया जाएगा। अच्छा चलिए, तो उन्होंने कहा है कि जो इमॉर्टेलिटी, मतलब हम जो अगर जो आफ्टर लाइफ में नहीं विश्वास करते, आत्मा को नहीं मानते, ऐसे कई साइंटिस्ट हैं, वो बोलते कहाँ है आत्मा, कहाँ है चक्रासी, सब फालतू बातें। बोले ऐसे साइंटिस्ट लोगों को अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पर सटल वर्ल्ड्स में वो टोटली ब्लाइंड और पैरालाइज रहते हैं, है ना, और कई सेंचुरीज तक के वहां पे फंसे रहते हैं। और फिर जब वापस लौटते हैं ऐसे साइंटिस्ट लोग, उनकी डिफेक्टेड बॉडीज और ब्रेन्स होती है, क्योंकि देखिए पृथ्वी पे तो वो डार्कनेस में रहे, सत्य के बारे में उनको मालूम नहीं रहा। सत्य मतलब मैं आत्मा हूं और अमर हूं और ये सब, है ना। वो पूरे समय साइंस पढ़ रहे हैं, डॉक्टर लोग चीरा लगा रहे हैं, साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनको लगता है कोई आत्मात्मा नहीं है। तो ये डार्कनेस में रह रहे हैं, डार्कनेस से वो लाइट में जाते हैं, फिर लाइट से डार्कनेस में फेंक दिए जाते हैं। तो वो जो स्विच होता है ना उनका रोल, तो उसके कारण उनको शॉक लग जाता है। तो टॉरकॉम कहते हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो आपको लगे बहुत स्मार्ट है, पर उतने ही वो स्टूपिड रहते हैं। क्योंकि स्मार्ट है क्योंकि वो कभी साइंटिस्ट रहे थे, उनका थोड़ा सा मेंटल वर्ल्ड ठीक है, पर वो ट्रुथ से इन लाइन नहीं है, तो वहां पे वो अपनी स्टूपिडिटी दिखाते हैं, तो वो ऐसे भी रहते हैं। और वो 2-3 जन्म तक के उनके ऊपर असर रहता है, फिर ठीक भी हो जाता है। फिर टॉरकॉम कहते हैं जब आपकी मृत्यु निकट आए तो आप जितने भी अपने गिल्ट है या आपके पाप की फीलिंग है उन सबको आप निकाल के फेंक दें, अपने आप को प्योर सोल समझें। और यदि कोई जब जाना है तो गिल्टलेस और सिनलेस जाए, मतलब कोई भी पाप नहीं किया मैंने, अगर कुछ गलती हो गई तो हाँ वो मेरी गलती है, कोई पाप अपनी है, ये आप भावना को रखें अपने मन में, अपने उसमें। और आप अपने ईश्वर से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि ईश्वर मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की, आपकी क्षमा और आपका अनुग्रह, मतलब आपकी फॉरगिवनेस और ग्रेस मैं चाहता हूं, आप मुझे मार्गदर्शन करें, ऐसे ईश्वर को बोल के जाइए। और पर कोई भी गिल्टी लेके मत जाइए, न ग्रजेस लेके जाइए। उन्होंने कहा कि चाइनीज और तिब्बतियन ट्रेडिशन में ये बिलीव किया जाता है कि आपका आखिरी थॉट आपके जीवन के अगले जीवन का निर्माण करता है, वही आपकी फ्यूचर डेस्टिनेशन है। तो जब आपकी मौत करीब आए, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे कुछ भी हो, आप पहले तो अपने को, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अपने आप को बॉडी से डिटैच कर दीजिए कि मैं बॉडी नहीं हूं, ये मैं बॉडी से काम करा रहा हूं, इमोशन नहीं हूं मैं, मन नहीं हूं,
बिल्कुल अपने को डिटैच करते जाएं, और आखिरी समय जब आए तो आप बिल्कुल अपने मास्टर को याद करिए, या जिस ईश्वर को, कृष्णा है, क्राइस्ट है, या हायरार्की की लाइट है, उनको याद करें। क्या होता है कि हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल होते हैं। आपने जैसे किसी भी ईश्वर या मास्टर के बारे में सोचा, वो थॉट इलेक्ट्रिसिटी के रूप में निकलेगा बाहर, वो उनकी रेज को ढूंढेगा। जीसस हर जगह है, कृष्णा हर जगह है। हम अगर पत्री सर को बुलाएं, या टॉरकॉम को बुलाएं, या किसी को भी बुलाएं, उन सबकी लाइट है। तो उनकी लाइट हमको ढूंढते ढूंढते आ जाएगी, हमको प्रोटेक्ट करेगी, हमको मार्गदर्शन करेगी, और हमारे और इसके साथ आप अपने सोलर इंजन्स को भी बुला सकते हैं। मैंने एक बुक का जब स्वाध्याय किया था, मैग्निफिशेंट आफ्टर लाइफ नहीं ल्यूमिनस आफ्टर लाइफ का मैंने जब किया था, तब मैंने बताया था कि मौत के समय हमेशा आपको अपने बिलेवेड लोगों का, जो आपके प्रियजन है, जो स्पिरिट वर्ल्ड में है, वो या मास्टर या ईश्वर को याद करना है, ताकि उनकी रे हमको या उनकी आत्मा हमको लेने आए। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि आप आखिरी समय बहुत अवेयर रहिए, यहाँ तक कि आपकी बॉडी, कहते हैं एक्सीडेंट में क्रश हो गई, आपको दर्द हो रहा है, तब भी आप उस ईश्वर या उसके बारे में सोचिए, ताकि वो आपको लीड करे। कई लोग आखिरी टाइम में मौत के डर के कारण स्ट्रगल करते हैं, अपने शरीर को ही नहीं छोड़ते, बॉडी को वैकेट ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है यही जीवन है, यही मेरा परिवार है, यही मेरी प्रॉपर्टी है, वो छोड़ते ही नहीं है। तो उनके लिए बहुत मृत्यु पेनफुल हो जाती है, बहुत दिन लगा देते हैं उनको जाने में। और कुछ लोग अपने कर्मों के बहुत सारे बिल चुकाने रहते हैं, इसीलिए वो बेड रिडन रहते हैं। दो तरीके से मौत जल्दी नहीं आती लोगों को, या तो वो कर चुका रहे हैं कर्मा का, या वो डर रहे हैं अपने बॉडी को वैकेट करने के लिए। हमेशा अपने दिमाग में रखिए, देयर इज नो डेथ, है ना। हम अमर आत्मा हैं, हम स्पार्क हैं उस ईश्वर के, हम उस ईश्वर के प्रकाश की चिंगारी हैं। उन्होंने कहा कि हमको मरने के पहले बिल्कुल बिना डर के ही जाना चाहिए, फियरलेस डाई होना चाहिए, डेथ होनी चाहिए हमारी, क्योंकि डर हमारे पैनक्रियास में इकट्ठा होता है। यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया था कि अगर 500 कई जन्मों तक के आपने किसी से हेट्रेड किए, किसी एक ही आदमी से नहीं, हर जन्म में आप सब लोगों से नफरत करते जा रहे हैं, नफरत करते जा रहे हैं, तो वो एक्यूमुलेशन के रूप में आपके न्यू बर्थ में ट्यूमर का रूप लेता है। तो जो ट्यूमर होता है वो कोई एक जन्म का नहीं आया है, वो कई जन्मों की नफरतों का परिणाम है। ऐसे ही जब आप डर के मरते हैं, डर डर के, एक बार डरे आपने, आपके जीवन में बहुत बड़ा डर है, फिर 2000 साल के बाद फिर एक डर आया, मतलब कई जन्म अपन लेते रहते हैं। ये जो डर है हमारे, जैसे जैसे वो जमा होते जाएगा, तो एक जन्म ऐसा आएगा कि आपका पैनक्रियास काम ही नहीं करेगा, मतलब समझ गए आप, वो डायबिटीज वन वाला है ना। तो उन्होंने कहा है कि आपका पैनक्रियास नो लॉन्गर वर्क्स। तो हमारी हेल्थ, हमारे मोरालिटी पर, हमारी नैतिकता पर, हमारे सदाचार, हमारी पुण्यशीलता पर निर्भर करती है। बायोलॉजी बोलो, जो हमारा शरीर है, बायोलॉजी या मोरालिटी, वो दोनों एक ही है। जो भी आपके साथ हो रहा है, वो आप ऑरा में रिफ्लेक्ट करते हैं, और ऑरा में डालते हैं, ऑरा आपकी बॉडी में डालता है, और उसी से ही आपका नेक्स्ट जन्म होता है। तो हम कहते हैं कि जब भी हमको मृत्यु मिलती है, तो हम डरते जरूर हैं कि मृत्यु आ रही है, हम चले जाएंगे, हम अपने परिवार लोगों को नहीं देख पाएंगे, कैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी को भोगूंगा। परंतु कहते हैं कि हर मृत्यु आपके लिए जॉय और फेस्टिविटी का जोड़ होती है, बहुत खुश होती है आत्मा इस शरीर के कैद से छूट के। उन्होंने कहा है कि जितनी भी 70 साल तक के आपने जीवन में सुख और एक्सटेसी को आपने महसूस किया है, उससे कहीं ज्यादा आपको मृत्यु के समय उस परम आनंद को भोगने का अवसर मिलता है। शरीर हमारा एक कैद खाना है, जिसमें हमें आना पड़ता है, तभी तो कहते हैं ना कि पुनरुपि जननम, क्यों बार बार वही गर्भ में आता हूं, फिर पैदा होता हूं, फिर वो जी कर जाता हूं। तो ये शरीर हमारा कैद है, और यही अज्ञानता हमारी मिजरेबल, हमको दुखी बना देती है।
उन्होंने कहा है कि आपको कुछ स्टेप बता रहा हूँ, मैं जल्दी बताऊंगी, बहुत टाइम हो जा रहा है, मुझे दो सेशन में लेना चाहिए था, बहुत सारे पेजेस हैं। उन्होंने कहा कि कुछ स्टेप बता दे रहा हूँ ताकि आपको किसी मरते हुए व्यक्ति को आप इजी करें उसका मरना, और आप सीखेंगे भी कि आपको कैसे मरना है ना। उन्होंने कहा है कि हायर वर्ल्ड्स में जाने के लिए जब एक व्यक्ति अपनी बॉडी को वैकेट करते रहता है तो वो मायने नहीं रखता कि वो उस समय कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। हमको लगता है कि आदमी कोमा में है, हम दूसरे रूम में बैठ के उसकी बुराइयां खेलते रहते हैं कि हाँ उसने तो ऐसा किया था वैसा किया था। वो कहता है बहुत संभल जाइए, मैटर ही नहीं करता कि वो कोमा में है या नहीं है, कॉन्शियस है नहीं है, वो चाहे कहीं पे भी बीमार पड़ा हो, मतलब हॉस्पिटल में भी हो, वो आउट ऑफ बॉडी भी हो सकता है, आपका उसका ब्रेन आपको नहीं सुन पा रहा है बिल्कुल नहीं, और उसकी बॉडी हिल भी नहीं पा रही है, पर उसकी सोल आपको सुन सकती है। उसके सेंसेस इतने सेंसिटिव हो जाते हैं जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप हॉस्पिटल के 3 कमरे के बाद भी अगर आप उसके बारे में बुराई कर रहे हैं तो वो सुनेगा। तो आप बहुत अवेयर रहो कि आप मरने वाले व्यक्ति से जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं आपको लगता है ना कि अब जाने वाला है, तो क्या बातें कर रहे हो, वो सब कुछ सुन रहा है। तो पहले आपको अवेयर रहना है। फिर उन्होंने कहा है कि आप उसको सिखाइए फियरलेस होना, सिखाइए, टीच फियरलेसनेस, उसको सिखाइए कि ईश्वर प्रेम है, उसने जो भी बुरा किया है अरे उससे कहीं ज्यादा अच्छा भी तो काम किया है, ईश्वर उसको गले लगाएगा, उसको आप उसका डर दूर करिए। उसकी जितनी भी असफलता है, उसके फेलवर्स हैं, उसने जो गलत काम किया है पास्ट में भी, चाहे बिजनेस में गलत किया हो, मतलब फेल हो गया हो, या रिलेशनशिप में अच्छे नहीं रहा हो, तब भी आप उसके उसको अच्छा फील कराइए कि देखो तो आपको कितने लोग प्यार करते हैं और कितने आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसे करके वो आप कितने सुंदर हैं ऐसे करके उसको फील कराइए ताकि उसको अपनी फेलवर्स वगैरह याद नहीं आए। अगर वो आपके खिलाफ भी है, मरने वाला व्यक्ति अगर आपके खिलाफ भी है, तो मरते समय आप उससे कहें कि आपने उसे माफ कर दिया है और आप उससे माफी मांग लें, उसको लाइटर फील कराए ताकि वो अपने जो आपके साथ उसने बुरा किया वो आपको जब देखेगा तो हो सकता है उसकी एक मेमोरी में आएगा ना कि इस आदमी के साथ मैंने बहुत बुरा किया, अब मेरा अंत समय आ रहा है। हो सकता है वो माफी नहीं मांगे, पर आप बोलिए कि ठीक है, जो भी वो अपन लोग के बीच में कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल फ्री होके जाइए, मैंने आपको माफ कर दिया। तो इसमें वो लाइटर हो जाएगा। और नहीं तो उन्होंने कहा है, टॉरकॉम ने कहा है कि मोस्टली आत्माएं अपने साथ अपनी असफलता की इमेज कैरी करके जाते हैं कि मैंने इसके साथ बुरा छिपला, मैंने पैसे डूब गए, समझ गए ना, असफलता सब समझ गए। फिर कहा है कि जब इंसान चला जाता है तो उसके ऑनर में डिनर पार्टी का आयोजन करें। हाँ, मेरे में भी करेंगे, पनीर बटर मसाला मैंने बोल दिया है, आप लोग को खिलाएंगे। फैमिलीज और फ्रेंड्स लोगों को इनवाइट करें, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोले, मेरे लिए भी अच्छा अच्छा बोलना, ठीक है, उसकी गुड क्वालिटीज का डिस्कशन करिए, उसके ने कौन कौन से अच्छे काम किया करिए। बहुत सुंदर इस चैप्टर में लिखा है, मैं अभी आपको नहीं बता सकती कि किस तरीके से आत्माएं बकायदा सुनती हैं, देखती हैं, और कभी कभी तो उन्होंने कहा है कि कई कई आत्माओं को तो पता ही नहीं चलता कि उन्होंने बॉडी वैकेट कर दिया है। वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मान लीजिए कोई आदमी है मर गया, वो अपने बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो उसके बच्चे कुछ सोच रहे हैं तो वो मेंटली कुछ जवाब देंगे, मान लीजिए, तो वो मेंटली को ना वो सोचेगा कि वर्बली बोल रहे हैं, तो वो समझ ही नहीं पाता कि मैं मर गया। फिर देखेगा कि अरे मेरी चेयर में, मेरी टेबल में मेरी प्लेट क्यों नहीं लगा रहे हैं लोग आजकल, क्यों मेरा खाना नहीं लगा रहे हैं। बकायदा वो बैठेगा, प्लेट लेके खाएगा, उसको स्वाद नहीं आएगा, पर वो बैठेगा और खाएगा, वो सोचेगा कि मेरे लिए जगह क्यों नहीं रख रहे हैं, मेरे कपड़े क्यों दान कर रहे हैं, मेरे सामानों को क्यों घर से निकाल के फेंक रहे हैं, मेरे फोटो में माला क्यों चढ़ा रहे हैं, वो समझ नहीं पाता। बहुत सुंदर ये चैप्टर लिखा हुआ है, पढ़िएगा, पर अपन लोग अच्छे से जाएंगे, अपने को मालूम है ना। तो अर्थबाउंड सोल्स ऐसे रहती हैं और तब अर्थबाउंड सोल्स को इनविजिबल हेल्पर्स आते हैं, हमारे एंजल्स वगैरह आते हैं, उनको प्रकाश दिखा के उनकी उनको लेके जाते हैं। अगर मान लो आपका कोई प्रियजन चला गया, उसके ऋण छूट गए, तो आप उसके ऋण को चुका दें ताकि वो एस्ट्रल और मेंटल वर्ल्ड में परेशान नहीं हो। जितना हो सके मरने वाले व्यक्ति को
अच्छी अच्छी चीजें याद दिला के उसकी एनर्जी को बढ़ाएं, ताकि उसकी ट्रैवल में उसकी एनर्जी की जरूरत मतलब फ्यूल का काम करे, और हो सके तो अपने पूरी लाइफ में वही कहा है एक्ट ऑफ ब्यूटी, गुडनेस, जॉय, इन सब के लिए काम करते रहे। फटाफट जल्दी जल्दी मैं लूंगी, मैं मेरे को लग नहीं रहा है कि मैं आप लोगों को बता पाऊंगी, पर जितना हो सकता है मैं 6:10 तक तो बोलती हूँ। सेल्फ रिनाउंसिएशन, त्याग, अपने अहंकार के त्याग के बारे में टॉरकॉम ने कहा है कि यदि आप आध्यात्मिक हैं और आप चाहते हैं कि आप प्रगति करें, तो जब तक कि आप अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तब तक के आप ईश्वर से अलग ही रहेंगे। ईश्वर के पास वही जुड़ सकता है जो विनम्र हो और ईगोलेस हो। ये रूल है, यूनिवर्सल लू है कि रूल है कि आपको अगर ईश्वर से जुड़ना है तो आपके अहंकार को कम होना चाहिए। तो आपको हमने कहा कि रोज हम नहाते हैं, शावर लेते हैं ना, अपने पूरी धूल मट्टी को हटाते, एक से एक सेंटेड परफ्यूम वाले साबुन लगाते हैं, पर हमको रोज साई की शावर लेना चाहिए रिनन्सिएशन के द्वारा। तो क्या करना है हमको, कौन कौन सी चीजों का त्याग करना है, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग फीलिंग, रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग स्पीच सब, क्योंकि हम बोल लेते हैं, सोच लेते हैं गलत। ये हमारे जो फाइनर एलिमेंट्स हैं वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ एक कवच का निर्माण कर लेते हैं, और वो हमारे ईश्वर, हमारे क्रिएटर, हमारे यूनिवर्स से कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचाता है। ये चैप्टर में बहुत बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, और इसमें ये भी प्रेयर के बारे में, क्योंकि देखिए एजलेस विजडम और खासकर टॉरकॉम प्रेयर को बहुत करते थे, उनके इन्वोकेशन भी हैं। वो कहते हैं कि आप रोज प्रेयर भी करिए और अपने ईश्वर से माफी मांगिए और कहिए कि मैं उन सभी लोगों को माफ करती हूँ जिसने मुझे दुख पहुंचाया, मेरा प्यार उनके लिए ब्लेसिंग बने। और इन्होंने इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी चीज बताई है कि उन्होंने कहा है कि एक और इंटरेस्टिंग कॉस्मिक लॉ है जो किसी भी बुक में नहीं लिखी हुई है। इस लॉ के अनुसार मैंने एक पर बता दिया है क्योंकि मैंने एस्ट्रल वर्ल्ड में सीख ली थी, मैं बहुत बार ये वाला सेंटेंस बोल चुकी हूँ। कई बार ऐसे लगता है कि हम ये कहाँ से सीखे थे, टॉरकॉम को तो मैं अभी पढ़ रही हूँ, पर मैं बहुत पहले से बोलती थी कि इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु आप हैं। आपको याद है मैं बहुत बार बोली हूँ सेंटेंस, यही वो नियम है कॉस्मिक लॉ, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने बहुत बाद में पढ़ा ना। उन्होंने कहा है कि लॉ है कि किसी भी कोर, किसी भी सेंटर से जो भी बाहर निकलता है वो उसके पास वापस आता ही है। यही हम कर्म में बोलते हैं कि जो जाएगा वो वापस आएगा। वो कहते हैं कर्म को एक अलग वे में कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं सेंटर हूं, मैंने क्या बोला, मैंने क्या सोचा, वो सब कुछ इस स्पेस में ट्रैवल करेगा, एक विशेष दूरी तक के जाएगा, फिर वो ट्रैवल बैक होगा मेरे पास में। अब वो 100 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, और 3000 साल भी लग सकते हैं, ये नहीं मालूम। बहुत अच्छा कर्मा वाले चैप्टर में व्हाइट वेव्स और डार्क वेव्स के बारे में बताया था, पर मैं बहुत शॉर्ट में बताती हूँ कहीं आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो बहुत ज्यादा, क्योंकि पढ़ना एक अलग है और आपको बोल के समझाना एक अलग होता है, तो आप लोग पढ़िए बुक को। तो उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति जो भी चीज प्रोजेक्ट करता है वो वापस बच्चे की भांति, जैसे हमारे बच्चे ना जैसे वो घोंसले में आते हैं वापस, वैसे ही वो आएगा ही आपके बच्चे की भांति। हर इंसान के पास दो एनर्जी है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और दूसरा मैग्नेटिक एनर्जी है। तभी तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना अपने चारों तरफ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, जो हम रेडिएट करते हैं, जो हम विकृत करते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, जो हम वापस लेते हैं, पुल बैक करते हैं, जो भी हमने रेडिएट किया था उसको पुल बैक करते हैं। हम सभी सबसे पहले फिजिकल एंटिटी हैं, फिर हम इमोशनल एंटिटी हैं, फिर हम मेंटल एंटिटी हैं। जो भी हम छोड़ रहे हैं किस समय वापस आएगा हम नहीं जानते, पर वो वापस आना तय है। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति जब तक कि हम पूरे अंदर से खाली नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल एम्प्टी नहीं हो जाएंगे, तब तक कि हम अपने सेल्फ के साथ नहीं जुड़ सकते। इवन वो कहते हैं कि सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज भी जो भी रेडिएट करती हैं, प्रोजेक्ट करती हैं, वो वापस उनके पास आता है। इसीलिए इजोटेरिक लिटरेचर मनमंत्र और प्रलय बोलता है
इवन मतलब इस लॉ, इस कॉस्मिक लॉ की जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो वापस आप लोगे। ये सिर्फ आप नहीं, एक गैलेक्सी और स्टार के लिए भी ये नियम है कॉस्मिक लॉ। तो आप अवेयर रहिए कि गैलेक्सी भी अपने आप को डुबो लेती है। तो उन्होंने कहा है कि इस साइकिल को ब्रेक करने के कुछ सीक्रेट हैं, कि कुछ भी रेडिएट मत करो, सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जीज रेडिएट करो, नो रिएक्शन, तभी आपका लिबरेशन होगा। हम क्या कहते हैं, निर्वाणा। जब आदमी पूरी तरीके से निर्विचार हो जाता है, इससे ना रिलेटेड बहुत अच्छी कहानी है, मैं आप लोग को कभी और सुनाऊंगी, आप लोगों को जो याद दिलाना है ना। जब एक व्यक्ति पूरी तरीके से निर्विचार हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है, तब वो ईश्वर को अनुभव कर पाता है। ईश्वर क्या है, वैक्यूम है, एक शून्य है, क्योंकि उसमें कोई इंप्योरिटीज ही नहीं है। इसीलिए ईश्वर को ना हम टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। तो जब तक कि हम स्वयं वैक्यूम ना हो जाए, खाली ना हो जाए, हम ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमारे में सबसे ज्यादा ईश्वर और हमारे बीच में बाधा कौन पहुंचाता है, हमारी ईगो। हम डिवाइन सेल्फ को एक गलत फहमी है कि मैं बॉडी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो अपने ईगो को दूर करते जाओ और प्रैक्टिस करो, बोलते रहो अपने आप को, आई एम जस्ट नथिंग, I know nothing, I can do nothing, God is all। यही कृष्णा ने भी, आप याद करिए गीता में कहा है कि जब आपके सारे कर सिर्फ ईश्वर प्रदान हो जाते हैं, मतलब ईश्वर को सौंप दिए जाते हैं, तब आप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, कर्ता भाव का आपके में कोई भाव ही नहीं रहेगा कर्ता का। तो आप जो भी करोगे वो ईश्वर के में है, मतलब पुण्य आपके गोल्डन जंजीर है, पाप आपके लोहे की जंजीर है। तो इन दोनों से मुक्ति पाने के लिए गीता में क्या कहा गया कि अकर्म हो जाओ, मतलब पूरे ईश्वर को दे दो कि वही कर रहा है। वो यहीं पे यही बोल रहे हैं कि आप बार बार बोलते रहो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, सब ईश्वर है, सब ईश्वर है। आप उस जब ईश्वर की तरफ को अपने आप को सौंप देते हो, तब आप ईश्वर के साथ एक हो जाते हो। बुद्धा ने अपने शिष्यों से, 500 शिष्य उसके बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि तुम्हें अरिहत बनना है, उन्होंने कहा यस। उन्होंने कहा कि अपने ईगो को छोड़ दो, अपने अहंकार को छोड़ दो, और 500 शिष्य एक साथ अरहत को पार किए थे। जीसस ने भी अपने लाइफ में 5000 अरहत बनाए थे, रिनाउंसिएशन ऑफ ईगो, है ना, कि हम जो हम कुछ भी नहीं है। और टॉरकॉम कहते हैं कि अच्छा स्पिरिचुअल एनर्जीज का बाद में बताती हूँ। उन्होंने कहा है, टॉरकॉम ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि ईगो को हटाएं, अपने आप को प्यूरिफाइड करें, तो आप सोचेंगे कि मैं टीवी भी देख रहा हूँ, संसार को अच्छे से भी कर रहा हूँ, और गॉसिप भी कर लेता हूँ, और थोड़ा सा एक आध घंटा क्रिटिसाइज करना यार टाइम पास ही तो कर रहे हैं, थोड़ा सा हेट भी कर लेता हूँ, थोड़ा जज कर लिया तो क्या बुरा जाता है। इससे आप नहीं ले पाएंगे, 99% तक के आपकी थिंकिंग स्पिरिचुअल एनर्जीज की होनी चाहिए, सिर्फ आध्यात्मिकता वाली एनर्जीज ही आप रेडिएट करें, तभी आप फ्री हो पाएंगे। एक यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया था, अभी मैं कैसे ये वाला मैं पूरा छोड़ दे रही हूँ, किसी दिन आराम से आपको बताऊंगी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आराम से बताऊंगी। मैं सीधा आप लोगों को लेके जा रही हूँ, 5-10 मिनट है, मैं फटाफट बताती हूँ। बहुत प्यारा चैप्टर है, क्योंकि मैं रीइंकार्नेशन बिना बिल्डिंग द ह्यूमन बीइंग कंप्लीट करे नहीं छोड़ना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा है, सिर्फ अच्छे अच्छे विचार करते जाओ, हो गया, चलिए ठीक है। बिल्डिंग द ह्यूमन बीइंग, हम कैसे अगला जन्म लेते हैं। तो एजलेस विजडम बोलता है कि हमारी आत्मा के पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, हमारे फिजिकल एस्ट्रल मेंटल परमानेंट एटम्स में हमारी रिकॉर्डिंग होती है, और उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस होती है एक वॉइस के द्वारा। हम लोग हिंदू लोग कहते हैं ना कि ये ब्रह्मांड भी एक ओम की ध्वनि से बना है, है ना। यहां पर मैं अभी जब अदर वर्ल्ड्स पढ़ूंगी तो और अच्छे से आप लोग को समझाऊंगी, पर ये चैप्टर पढ़ के मैं एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि हमारे जो भी परमानेंट एटम्स है उससे एक वॉइस बनती है, एक आवाज उत्पन्न होती है। ह्यूमन सोल की जो वॉइस है वो सबसे पहले वो अपने सोलर एंजल को देता है, फिर वो सोलर एंजल देवाज, जो ट्रांसमिटिंग देवाज है, उनको भेजता है, फिर ट्रांसमिटिंग देवाज उसको सुनता है, और जो लिस्निंग देवाज है, जो सुन रहे हैं,
उसके बाद वो बिल्डिंग देवास मतलब जो हमारी नई बॉडी का निर्माण करते हैं वो हमारे ह्यूमन वॉइस जो ह्यूमन सोल की जो वॉइस है उसके अनुसार हमारी बॉडी को बनाते हैं। प्रदीप सर ने बहुत अच्छा कहा था कि जब गर्भ में शिशु बनता है तो आप क्या सोचते हैं कि खुद ही वो दो सेल का एक सिर्फ स्पर्म और ओवा बन के क्या एक 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाएगा। कितने देवा कितने एंजल्स काम करते हैं एक छोटे से जायगॉट से एक शिशु के निर्माण को। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बताया है, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि इतना डिटेल में अपने को जाना भी नहीं है, बस इतना समझ लेना कि हम जो भी कर रहे हैं वो स्वरों के रूप में नोट्स के रूप में हमारे परमानेंट एटम में रिकॉर्ड रहती हैं, ध्वनि के रूप में रिकॉर्ड रहती हैं। फिर सोल एंड इट्स व्हीकल वाले चैप्टर में उन्होंने बताया है कि हमारी जो ह्यूमन सोल है जो हमारी आत्मा है वो एथरिक एस्ट्रल और मेंटल परमानेंट एटम्स के रूप में जन्म लेते रहती है। हमारे जितने भी गुण हैं हमारे अवगुण हैं वो सारी चीजें इसमें रिकॉर्डेड रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि आत्मा जैसे आप लोग बोलते ना कि वो नोअर और थिंकर वहां बैठा है अपन सिर्फ डूअर आए हैं तो मैं जो भी कर रही हूँ आत्मा को फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आत्मा भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसने 3 बॉडीज को भेजा है नीचे कि बेटा तुम जाके काम करके आओ। मतलब 7 बॉडीज को भेजा है पर 3 बॉडीज मेन जो लोअर बॉडीज है उसको सीखना है। अब हम जो सोच रहे हैं हम जो कर रहे हैं उसके लिए वो सोल भी रिस्पॉन्सिबल है। तो सोल क्या करती है पूरे समय गाइड करते रहती है, अंदर से आवाज देती रहती है बाबा ये मत करो ये गलत है ये सही है, पूरे समय हमको बता रही है। पर हम तो है तो पिक्चर टीवी और गॉसिप में इतने उलझे हुए कहां आत्मा की आवाज सुनने का टाइम है। तो यहाँ पे टॉरकॉम कहते हैं कि ह्यूमन सोल भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसके थॉट्स इमोशन एक्शन अपने व्हीकल्स के यूज कर रही है ना अनुभव लेके ग्रहण करने के लिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है चाहे कॉन्शियसली हम करें चाहे इग्नोरेंटली मतलब अनजाने में करें पर वो करती है। और जब तक के वो टोटली ट्रांसफॉर्म न हो जाए ये तीनों लोअर बॉडीज एक चैनल न बन जाए लाइट लव और विल पावर के तब तक के सोल का भी काम रहता है हमारे को गाइड करते रहे और हमारे को आगे बढ़ाते रहे। तो अब व्हीकल्स टॉरकॉम इसलिए यूज करता है जैसे हम बोलते हैं शरीर वो हमेशा यूज करता है व्हीकल है ना। तो 3 व्हीकल्स हमारे कौन से हैं फिजिकल बॉडी मेंटल इमोशनल। तो ये तीनों बॉडीज कैसे बनती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। हमारी सभी बॉडीज की अपने अपने स्वर हैं उसके नोट्स हैं। जितने हम प्यूरिफाइड होते जाते हैं उतना हम इवॉल्व होते जाते हैं। जितने हम प्यूरिफाइड होते जाएंगे हमारे नोट्स जो हैं शुद्ध और क्लियर होते जाएंगे। सारे गमा होता है ना वैसे ही हमारे नोट्स हैं। हर रामपा भी कहते हैं कि हर शरीर का अपना एक नोट होता है। मेरा अपना एक नोट है, गोदावरी जी का अपना नोट है, प्रिया जी का, वैशाली जी का, सबका अपना अपना एक स्वर है। तो वो कहते हैं टॉरकॉम की आपकी हर बॉडी का एक एक नोट है स्वर है। जितना प्यूरिफाइड होते जाएंगे उतना वो क्लियर वॉइस होते जाएगी उतनी वो प्योर हार्मनी में रहेगी। और हमारी जो ह्यूमन सोल है उसका ध्येय है उसका लक्ष्य है हमारे फिजिकल एथरिक एस्ट्रल और मेंटल इन चारों बॉडीज को प्यूरिफाइड करना बैलेंस करना ताकि जो हमारे इसके स्वर हैं वो प्योर लाइट प्योर लव और पावर से समायोजित रहे। जितने हमारे विचार एक्शन सभी जो हैं वो सब हमारे नोट्स बनाते हैं। जो मैंने किसी के लिए सोचा एक स्वर बना वो सब रिकॉर्ड होने लग गया है ना। अगर मान लो ये मेरे नेगेटिव विचार रहे तो जो हमारा ये जो अगला जन्म है ना वो बहुत ही पेनफुल और बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है। 3 बॉडीज में हमारे रिकॉर्डिंग जमा हो रही है ना। अब जो 4 बॉडीज थी जो मैंने बताया था डिवाइन मोनेडिक आत्मिक और इंट्यूशनल, पहले इंट्यूशनल फिर मोनेडिक फिर आत्मिक फिर डिवाइन आखिरी डिवाइन है। ये सब जो बॉडीज हैं उसमें संग्रहित होता है गुण के रूप में। जितने हमारे हैं ना गुण वो सब ये हायर बॉडीज में जाके वर्च्यूज के रूप में जमा होते जाते हैं। और जो ये हायर बॉडीज है वो नोट्स लेती हैं स्वर को सुनती हैं कि इस इंसान का जैसे उन्होंने बहुत अच्छा 4 जिक्र किया है कि 4 चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। ये हायर नोट्स किस पर काम करते हैं हमारे विल हमारी
इच्छा, पर्पस, लक्ष्य, मोटिव, मोटिव पर्पस का ही ट्रांसलेशन है, और इंटेंशन। हम कोई भी काम करते हैं तो पीछे उसके इंटेंशन क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमारी इच्छा क्या, ये सब चीजें मैटर करती है। उसमें कितना लाइट है, कितना लव है, कितना हमने नियमों को तोड़ा है, वो सब हमारे इस नोट्स को बनाती हैं। तो उन्होंने कहा है जो हमारी सोल है, ह्यूमन सोल है, उसमें सातों स्वर हैं, और सातों स्वर के जो उपस्वर होते हैं ना, ऑक्टेव्स बोलते हैं जिसको, वो सब परफेक्ट हैं, पर हमारे इन सेवन बॉडीज में तो नहीं है। अब हमारा ह्यूमन सोल जब शरीर का निर्माण करता है, ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि जब हमारे शरीर का निर्माण करता है, तीनों बॉडी का निर्माण हो रहा है अभी, है ना, अभी अपन प्रोसीजर में है उस तीन बॉडी के निर्माण में, तो जो साउंड आ रहा है परमानेंट एटम्स के द्वारा, कौन से, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, परमानेंट एटम्स के द्वारा जो साउंड आ रहा है, वो सब हमारे रिकॉर्डेड है, इमोशन वगैरह सबसे, है ना, वो हमारे अगर पिछले जन्मों के कर्म, विचार, इमोशन हार्मफुल रहे, विनाशकारी रहे, तो वो परमानेंट एटम्स और चक्रास में ना डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, समझ गए। जो हमारी बॉडी थी ना, हम मर गए तो हमारे तो एटम्स रहेंगे, है ना, उसमें वो डार्क स्पॉट्स के रूप में है। अब न्यू बॉडी बन रही है, अब न्यू बॉडी बनी, तो जब साउंड, जब हमारे ट्रांसमिटिंग और वो जो देवास लोग हैं वो ट्रांसमिट और लिसन करके बिल्डिंग करते हैं हमारी बॉडी का, तो ये साउंड इन एटम से और चक्रा से फिल्टर होता है, ठीक है, समझ रहा। अब जहां जहां पर ब्लॉकेजेस हैं, है ना, जहां जहां पे ये डार्क स्पॉट्स हैं, वहां पे नोट्स छूट जाएंगे, वहां के स्वर छूट जाएंगे, तो वो शरीर जो बनेगा वो आंशिक नोट से बनेगा, पार्शियल नोट से बनेगा, कंप्लीट नोट नहीं है। कहीं पे मान लीजिए, मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोल रही हूँ, मुझे, मैं डीप नहीं करती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अलग तरीके से बताया, मैं एक बोल रही हूँ, जैसे सारे गा, किसी में प नहीं है, किसी में ध आएगा, नी नी नहीं है, मतलब समझ रहे, जहां जहां पे वो छन के आ रहा है आवाज, वो आपके डार्क स्पॉट्स के कारण वो नोट्स गायब हो जाएंगे, और जहां जहां पे नोट्स का अभाव रहेगा, जहां पे स्वर नहीं रहेंगे, शरीर के उस भाग में आपको बीमारी होगी, आपको ट्रबल होगा, या फिर जैसे आपका मेंटल और इमोशनल एटम्स में कुछ गड़बड़ है, तो आपके कॉन्शियसनेस वाले पोर्शन में डार्क स्पॉट्स रहेंगे, तो आपकी जो अगली वाली मेंटल और इमोशनल बॉडी है वहां पे भी वो नोट्स नहीं रहेंगे, वहां पे भी आपका डैमेज होएगा, मतलब डिस्टॉर्टेड रहेगा, आपके पूरे कंप्लीट नोट्स नहीं है, तो या तो उस ऑर्गन से रिलेटेड आपको बीमारी होएगी शरीर में, या आपके कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम रहेगा। तो उन्होंने कहा है कि आपको कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली भी आपको नोट्स दिया जाता है, जिसको हम साउंड हीलिंग कहते हैं ना, यहाँ पे उन्होंने साउंड हीलिंग वर्ड यूज नहीं किया, बहुत जगह अलग तरीके से वो यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कृत्रिम रूप से भी आपको नोट्स दिया जाता है ताकि आपकी बीमारी ठीक हो जाए या आपकी कॉन्शियसनेस रेज हो सके, क्योंकि जो जो नोट्स हमारे फिल्टर के दौरान गायब थे वो साउंड हीलिंग, या साउंड हीलिंग नहीं बोलते, वो साउंड के द्वारा आपको मिल जाए। परंतु वो कहते हैं टॉरकॉम की साउंड बहुत डेलिकेट है, वो क्रिएटिव भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है, इसीलिए ऐसे साउंड के द्वारा हील करने के लिए बहुत ही सावधानी से उसको साउंड दिया जाना चाहिए। अब ये वाला चैप्टर आपके कोई काम का नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी इंडिविजुअलिटी के ऊपर, बहुत अच्छे चैप्टर्स मेरे दो छूट गए हैं, सिर्फ यहाँ पे मैं रिजरेक्शन के ऊपर बोलूंगी कि उन्होंने कहा है कि जैसे पुनर्जीवन होता है ना, हम कहते हैं ना कि जीसस पुनर्जीवित हो गए थे, पुनर्निर्माण, पुनर मतलब मृत्यु के बाद जी उठना, तो रिसरेक्ट होने के लिए, जिसको हम आजकल की लैंग्वेज में असेंशन कहते हैं, उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी। टाइम हो रहा है, बस आप सुबह उठे तो
अपने अधूरे काम करिए, अच्छे अच्छे विचार करिए, पॉजिटिव करिए, अपने को प्रण करिए कि आज चाहे मुझे कितनी भी मधुमक्खियां आके भिन बनाएंगी मेरे सामने, मैं गुस्सा नहीं करूंगी और बहस करके मैं फंसूंगी नहीं। मैं बार बार अपने आप को याद दिलाऊं कि मैं एक रिसरेक्ट स्पिरिट हूँ, आई मीन मैं एक असेंशन की तरफ बढ़ रही हूँ। उसमें अपने डेली लाइफ में सेकंड उन्होंने कहा है कि बार बार रोज अपने आप को याद दिलाओ कि आप शरीर नहीं हो, शरीर से तादात्म्य तोड़ो। अगर बीमार हो तब भी मत कहो कि आई एम सिक, आप कहो माई बॉडी इज फीलिंग अ लिटिल क्रेजी। हाँ, मैं गुस्सा हूं मत बोलो, मेरे शरीर में गुस्सा आया था। ऐसे करके अपने बॉडी से डिटैच होना सीखो। और जो त्यागने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर आप सोचते हैं कि अगर अभी इस जन्म में आप नहीं त्यागना सीखेंगे तो क्या मरने के समय आप सीखेंगे? कभी नहीं। आपको पहले से ही हर एक से, प्रॉपर्टी हो, बच्चों हो, सबसे आपको दूरी बना के रखना है और त्यागना है अहंकार को। और पश्चाताप, फॉरगिवनेस, ये सब हमारी चीजें हैं अपने असेंशन के पाथ की तरफ आगे बढ़ने के लिए। एक आखिरी चैप्टर में हीलिंग थ्रू अप्रोच कहा था, बहुत सुंदर चैप्टर है ये भी। उनके में प्रेयर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो वो कहते हैं कि आप कितना भी कर लो, आपको अपने ईश्वर के से कनेक्ट होना जरूरी है। आप अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, पश्चाताप वगैरह जो भी कर रहे हैं, पर उस ईश्वर से आप कनेक्ट रहिए, उस ईश्वर के प्रति आपकी स्मृति बनी रहे, तभी आप हील होंगे। उन्होंने कुछ विजुअलाइजेशन वगैरह बताए हैं जो मैं नहीं बता रही हूँ, और एक दो चैप्टर्स मैंने छोड़ दिया। एक दो चैप्टर इसलिए भी छोड़ा क्योंकि वो इतना डीप नॉलेज है कि मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया। पर कुल मिला के मैं ये आप लोगों को एक इंटीग्रेट करके 2 मिनट में एंड करूंगी इस सेशन का। हम सब समझते हैं कि हमारे इमोशन, हमारे ये सब चीजें हमारे लिए नुकसान करती हैं। एक पहरेदार हमको पूरे समय अपने ऊपर रखना है। यदि हम इतने जूम सेशन अटेंड कर रहे हैं और इतने घंटों मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारे को प्री बर्थ चॉइस नहीं दी जाएगी कि अगले जन्म में आपको ये बीमारी लेनी है कि नहीं, ये हस्बैंड लेना है कि नहीं, ये नहीं। जो रॉबर्ट श्वार्ट्स कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बहुत उथला उथला नॉलेज दे रहे हैं, पर टॉरकॉम आपको बता रहे हैं कि जो आपके परमानेंट एटम्स हैं वो आपको बनाएंगे, आप चाहो ना चाहो। तो बीमारी के रूप में, अपने सिबलिंग के रूप में, आपके रिलेशनशिप के रूप में, आपके वो एटम्स डिसाइड करेंगे कि आप क्या चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। मास्टर्स बैठ के आपके लिए नहीं करेंगे, अच्छा इससे रजामंदी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, अगले जन्म में कर लेना, ठीक है अब ये वाला नहीं लेना है, ठीक है। कुछ भी नहीं दिया जाएगा जैसे रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने बताया है। अगर वाकई आपको लगता है कि मेरा ये जन्म तो चलो ठीक है, आप मेडिटेशन अगर हम कर रहे हैं जैसे जैसे हमारा ठीक जा, अगला जन्म हमको बहुत ही अच्छा करना है ताकि हम और अगले जन्म में इवोल्यूशन को तेज गति दे सकें, तो उसका निर्माण यहीं से शुरू करना है। क्योंकि अगले जीवन की शरीर में अभी लिख रही हूं, अगले मेंटल बॉडी की बीज लेख मैं अभी अपने रिकॉर्डिंग में दे रही हूं, अपने जिसको डीएनए बोल दो, जिसको एटम्स बोल दो, जो भी बोल दो, पर वो एटम्स, डीएनए तो चले जाते हैं ना, हम मर जाते तो हमारे चले जाते, परंतु वो एटम्स नहीं जाएंगे, तभी आपके जन्म दर जन्म चलते जाएंगे। तो आप डिसाइड करिए कि कैसे करना है और कितना अपने ऊपर काम करना है। मैंने इस बुक को पीडीएफ को भेजा है, इसके एक एक चैप्टर को आप पढ़िए, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, आई नो वेरी वेल मैंने नहीं किया जस्टिफाई, क्योंकि इधर का चैप्टर में से इसमें से निकाल रही हूँ, इस पैराग्राफ को छोड़ रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं सब बताऊं, सब बताऊंगी तो मुझे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन आप नहीं सुन पाओगे, नहीं तो मैं तो बोलने के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू। यस प्रिया जी, थैंक यू। पहले तो मैं बहुत घबराती थी, ये सारा दिन बोलती बाबा कितना टॉक ऑन कितना क्या, पर आज थैंक यू वेरी मच, उस टॉक ऑन से प्यार हो गया, सब कुछ सरल 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 समझ में आ गया और अभी बुक पढ़ूंगी उसके। सो थैंक यू फॉर पार्टिंग, रियली थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड वी आर वेटिंग फॉर यू टू कंटिन्यू अगेन, ये जो 15 दिन है भले सारांश लेके आ जाना, बट
पूरा हाँ इसका इंटीग्रेशन मैं कर सकती हूँ बाद में, क्योंकि कुछ एक चैप्टर्स मैंने छोड़ दिया। नहीं तो प्रिया जी मैं बहुत अच्छी एक बुक मंगा रही हूँ, अदर वर्ल्ड्स बहुत महंगी है, इसलिए मैं 1 नवंबर का वेट कर रही हूँ कि 50% डिस्काउंट में मंगाऊंगी। और अदर वर्ल्ड्स मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है कि हम मैं क्योंकि देखिए आपको बताई मैंने तो ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कितने अच्छे से चला गया, मैं और अवेयर हो जाऊंगी आज के बाद। जैसे कहते हैं ना कि सूर्यास्त के समय अपने सारे रिश्तेदार अपने फ्रेंड्स जिन्होंने भी आपको हर्ट किया उसको माफ कर दो, और बकायदा मैं इसको पालन करने लग गई हूँ। चाहे कोई भी मुझे हर्ट करता है, बहुत लोग करते हैं, अरे ऐसा नहीं है कि मेरे को हर्ट नहीं करते, बहुत लोग करते हैं पीछे पड़े रहते मेरे, है ना, उनको रात को माफ कर देती हूँ, ब्लेस कर देती हूँ कि यार खुश रहे वो, बहुत अच्छे से अपनी जीवन को बिताए। तो हाँ शेष जी क्या लिख रही है भावना जी, ये शेष जी जल्दी बोलिए। वैशाली तुम बोलो, वो नहीं अनम्यूट कर रहे हैं। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली विजडम। और आपको एक बात बताऊं, जब आपने जूम पहले चालू किया था तब लोगों का स्तर कैसा था, और अब सबकी कॉन्शियसनेस की इतना डीप ज्ञान हम समझ रहे हैं जी। तो मैंने अभी रिसेंटली एक बात सुनी थी कि अच्छी बुक्स पढ़ना और अच्छे ऐसे जूम सेशंस अटेंड करने से भी आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है, और उसी के साथ प्लैनेट अर्थ यूनिवर्स इनका भी कॉन्शियसनेस बढ़ता है। सो यू आर रियली डूइंग, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू। यस शेष जी, हाँ जी दीदी, आपने आज ये बहुत अच्छा बताया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार ही आपको सुनने से शायद मैं आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ, और मुझे जो फियर्स थे माइंड में आज ऐसा लग रहा है कि वो मैं बिल्कुल फियरलेस हो गई हूँ। और कितने भी दिन आप लगाओ प्लीज ये चीजें आप करते रहना, हम रेडी हैं सुनने के लिए। थैंक यू शेष जी, आज पहली बार क्लास हमारे जूम सेशन में आए हैं आप। हाँ जी पहली बार आई हूँ। कहाँ रहते हैं आप? गुड़गांव। अच्छा अच्छा, तो बस यही लिंक है और यही पासवर्ड है, तो रोज आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरा पूरा समय आजकल अपने सब फ्रेंड्स लोगों को टॉर्कॉम की बुक देने के लिए कह रही हूँ कि आप लोग टॉर्कॉम को पढ़िए, टॉर्कॉम का प्योर विजडम है। पहले शुरू में डिफिकल्ट लगती है, पर धीरे धीरे जैसे मैंने कई चैप्टर्स छोड़े क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपने उनकी कोई बुक्स नहीं पढ़ी, परंतु फिर भी मैं जो चाहती थी आप लोग को देना वो मैंने काफी कुछ दे दिया है, और जो बचा होगा वो फिर अपन एक दिन इंटीग्रेट कर लेंगे कभी भी आफ्टर दिवाली, क्योंकि अभी दिवाली तक के मैं सोच रही हूँ कि कम से कम विजडम शेयरिंग कराऊं। और आपने जो वैशाली बोला ना कि हमारे इस ग्रुप का स्तर बढ़ रहा है, मेरे को ये वाली बात बहुत लोगों ने कहा है कि आपके ज्ञान भारत में जो विजडम दिया जा रहा है ना वो PSSM के किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं दिया जा रहा, इतना प्योर। तो ये सिर्फ मैं नहीं दे रही हूँ, ये हम सब पूरे ग्रुप की एनर्जी है, इस ग्रुप की एनर्जी का एक सोल है, जो हमारे एंजल्स हैं, जो मास्टर्स हैं, वो ऐसे मास्टर्स हमारे को लाके दे रहे हैं, ऐसे लोग मेरे फ्रेंड्स लाके दे रहे हैं जो हम लोग आप लोगों को ये सब चीजें दे रहे हैं। और मेरा कहना है कि यदि कोई भी चाहता है कि टॉर्कॉम की बुक का विजडम शेयरिंग करे तो प्लीज मुझे मैसेज करे, मैं चाहती हूँ कि उनकी एक एक बुक को हम लेकर आए और अपन सबके इस ग्रुप कॉन्शियसनेस को भी बढ़ाएं। मेरे को प्रदीप सर ने भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है नीता कि ज्ञान भारत में सबसे ज्यादा, मतलब जितने भी मैं ग्रुप में जाता हूँ सबसे ज्यादा ट्रूथ सीकर है। वो मेरे लिए नहीं बोल रहे थे, वो हम सबके लिए बोल रहे थे। तो उस समय मुझे इतनी खुशी होती कि यस हमारा ग्रुप, वाकई हम सबको अपने ऊपर काम करना चाहिए, है ना, और सभी को मास्टर बनना है, सभी को बोलना है, सिर्फ नीता नहीं बोलते जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। और कल हम इंटेंस मेडिटेशन करेंगे, और परसों से हमारे प्रदीप सर के प्यारे प्यारे, यस आयशा जी परसों क्या, हाँ
नमस्ते नीता जी, आपने अभी कहा कि ज्ञान भारत पे ट्रू विजडम, तो वेरी ट्रू। मैं इतने टाइम से जुड़ने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैंने एक तो प्रदीप सर को यहाँ से कनेक्ट होते हुए देखा और सेकंड मैंने आपकी कुछ चीजें सुनी थी बीच में। उसमें आपने एक स्टेटमेंट जो बोला था ना, वो मेरे दिल को बिल्कुल अंदर तक पेनिट्रेट कर गया कि आपने कहा था कि ये एंजल्स और ये सब आपके लिए बैठे नहीं है फालतू, कि दिन आपको आके हील कर रहे हैं और आपको ये कर रहे हैं और आपकी वैसी हीलिंग हो रही है और आपकी ऐसी हीलिंग हो रही है। मतलब आपने उसको डिफरेंट वे में कहा था, बट वो चीज मुझे ट्रू, मेरे को मतलब यहाँ पर आने के बाद पीएमसी में इसमें आने के बाद ज्यादा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, इतने सारे एंजल्स, 200 एंजल्स आपके पास, कहाँ उनके पास टाइम है कि वो आपको हील कर रहे हैं बैठ के मेडिटेशन में, एंड गाइडेड ये गाइडेड मेडिटेशन, वो गाइडेड मेडिटेशन। तो वेरी ट्रू, बिल्कुल ये कॉम्प्लीमेंट एकदम सही है, बहुत अच्छा ज्ञान है, ज्ञान भारत का जैसा नाम है। थैंक यू रजनी सर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है ना, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आशा जी। और यूट्यूब फ्रेंड्स बार बार मुझसे लिंक मांगते रहते हैं, तो आप लोग लिख लीजिए, हमारा जो मीटिंग आई डी है 4300390443, 4300390443, और पास कोड है 4444, आप जूम में जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स कल हमारा इंटेंस मेडिटेशन है, 1 घंटा 11 मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे, या 1 घंटा 1 मिनट का, जैसा आप लोग कहेंगे। और परसों से हमारे 3 दिन के सेल्फ हीलिंग वर्चुअल रिट्रीट ले रहे हैं प्रदीप सर, 4 से 6 बजे तक के, बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलेंगे, बिल्कुल। मुझे मालूम है कि षष्ठी सप्तमी अष्टमी सब चल रही है, पर प्लीज लाइव उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करिए, उनके ज्ञान को एब्जॉर्ब करिए। यूट्यूब में आप उतना नहीं मतलब वो कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, लाइव में आपको ज्यादा लगेगा। मैं नहीं चाहती थी कि मैं नवरात्रा में आप लोग के लिए ये रखूं, पर सर 9th की उनकी फ्लाइट है बाहर की, फिर उसके बाद वो 1-1.5 महीना टाइम नहीं देंगे, इसीलिए मुझे 2 अक्टूबर से ही उनका टाइम देना पड़ा। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रदीप सर के लिंक को आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करेंगे और उनको भी ज्वाइन होने के लिए बोलेंगे, क्योंकि सेल्फ हीलिंग हर एक के लिए जरूरी है कि प्यार क्या है, सेल्फ लव क्या है, सेल्फ हीलिंग क्या है। तो इसके बारे में हम 3 दिन जानेंगे, तब तक के लिए छुट्टी, बाय बाय।